चलिए जी, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं टीडीएस। जब ये वर्ड लिखा जाता है ना टीडीएस, तो मैं इसे पढ़ता हूं TEDIOS, TDS। क्या मतलब होता है TDS का? इस वाले TDS का मीनिंग TEDIOS, कठोर, कठिन। और इसका जो एक्चुअल मीनिंग है TDS, उसका भी मीनिंग यही है। क्योंकि जब मैं तुम्हें TDS की बातें बताऊंगा, बहुत बार ऐसा हुआ है TDS करने के बाद भी, सीखने के बाद भी, बहुत सारे अकाउंटेंट्स ने अपनी कंपनी में इस काम को खुद नहीं किया, इस काम को आउटसोर्स कर दिया कि भैया CA साहब आप इसी काम को कर लो। जबकि मैं आपको बताऊं कि TDS का काम करने में कभी भी किसी प्रोफेशनल की कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स, पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स, हम ये लोग ये काम करते नहीं है, हम किसे आउटसोर्स कर देते हैं? CA को। भाई सर TDS की रिटर्न तो आप करो, बाकी सब हम देख लेंगे। तो ऐसा क्या है इस TDS में जो लोग बाग डरते हैं? तो आपको बता दूं, इस TDS की रिटर्न में गलती होने की वजह से कई अकाउंटेंट्स की नौकरी चली गई, अगर इसके अंदर गलती हो गई तो। सर ऐसा कठिन लॉ है क्या ये? मैंने कहा कठिन लॉ नहीं है, इसके कुछ प्रोविजंस इस तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप इस काम को सावधानी से करो तो इसकी रिटर्न एक साल में, वन ईयर में, एक साल में 4 बार रिटर्न जाती है, ठीक है ना जी। तो साल की तुम्हें 4 बार इनकम यहाँ से भी आ सकती है। और कमाल की बात तो ये है कि इसकी ना एक रिटर्न नहीं जाती, 2 रिटर्नें जाती हैं। तो टोटल अगर एक कंपनी का आपको काम मिल जाए तो तुम्हें साल की कितनी रिटर्नें मिल गई? 8 कंपनी मिल गई। और अगर ऐसे ऐसे 5 फर्मों का तुम काम ले लो जिन पे TDS एप्लीकेबल है, तो 40 रिटर्नें तुम्हें यहाँ से भी मिल गई। और मिनिमम TDS की रिटर्न फाइल करने के पैसे मिलते हैं 2000 रुपये। तो अगर 40 रिटर्नें तुमने फाइल करी 2000 से, तो 80,000 रुपये, लाख रुपए का काम साल का यहाँ से भी आ जाता है। लेकिन आप में से कई पार्ट टाइम अकाउंटेंट ऐसे होंगे जो कि TDS का काम नहीं करते होंगे। कितने लोग हैं जो करते हैं? हाँ 3 लोग करते हैं, हम बाकी लोग नहीं करते। लेकिन आज मैं TDS की शुरुआत ऐसे करेंगे कि जिससे आप लोग भी कॉन्फिडेंस से इसका काम कर सको। कठिन जरूर है, तो डरना नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठना है। सिर्फ अलर्टनेस चाहिए तो हम चीजों को सीख जाएंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये TDS है क्या? ये TDS आया क्यों आपको पता है? TDS का जन्म क्यों हुआ? क्या जरूरत थी TDS को लाने की? इन्होंने कहा सर TDS को लाने की जरूरत ये थी कि कुछ लोग इनकम नहीं दिखाते थे। दूसरा, चलो इनकम नहीं दिखाई, अच्छा और कोई बताएगा? दिखाई तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो टाइम पे नहीं दिया। देखो अब मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे हमने एडवांस टैक्स की क्लास करी ली है, ठीक है ना, तो अब मैं TDS की बात करता हूँ। हमें यह पता है कि इनकम टैक्स जो हमें पे करना है, उसे पे करने की कितनी फॉर्म हुआ करती थी? 3। एक होता था TDS, एक होता था एडवांस टैक्स, और एक होता था क्या जी? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स जमा करना है, वो इन 3 तरीके से अपना इनकम टैक्स जमा कर सकता है। तो एडवांस टैक्स हमने पढ़ लिया था कि भाई जिस साल में पैसा कमा रहे हो उसी साल में आप जमा कर दो, ठीक है ना जी। बाद का हमारे को कोई चक्कर नहीं है, तुम पहले से ही जमा कर दो। लेकिन ये जो TDS का प्रोविजन आया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था। इसका लॉजिक क्या था?
कि सपोज करो यहां पर एक टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे या नहीं? हाँ, तो टाटा कंपनी में जब बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे तो वहां पर उनकी सैलरी भी होगी जी। किसी की सैलरी 50,000 रुपये महीना होगी, किसी की 1,00,000 रुपये, किसी की 2,00,000, किसी की 20,000, किसी की 30,000। अब ये 10,000 आदमी हैं, टाटा कंपनी के वर्कर्स हैं, 10,000 पर्सन्स हैं जो यहाँ पर जॉब करते हैं। अब इन 10,000 व्यक्तियों से टैक्स लेना है। टाटा कंपनी कहती है कि भाई मैं तो इसे सैलरी दे दूंगी, मेरे पास काम करने आया, 50,000 रुपये तनख्वाह ले, अपने घर जा, काम कर, काम खत्म, ठीक है ना। लेकिन ये 10,000 व्यक्ति अपने घर पर अपनी तनख्वाह ले जाते हैं, कोई 50,000 रुपये महीना, कोई 1,00,000 रुपये महीना, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक अपनी सैलरी अर्न करते हैं, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट इनसे कहती है कि तुम्हारी इनकम पर एडवांस टैक्स बनता है, तुम हमें जमा कर दो। ये कहते हैं हम तो नहीं करते, तुम हमारा कर लो, क्या करोगे। और इस इनकम पर जो इनका टैक्स बना, लेट सपोज 1,00,000 रुपये, इन्हें कब जमा करना था? 31 जुलाई 2020 को, कि जब तुम्हारी रिटर्न फाइल करोगे इनकम टैक्स की, तब तुम हमें क्या कर देना, आकर टैक्स जमा कर देना। लेकिन हुआ क्या, जब 31 जुलाई को गवर्नमेंट इनके पास पहुंची टैक्स देने के लिए, इनके पास फिर पैसे नहीं थे जी। और 10,000 आदमियों के घर पर जाना क्या गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है? एक एक आदमी को पकड़कर टैक्स लेना क्या पॉसिबल है? नहीं। तो गवर्नमेंट ने रतन टाटा को बुलाया और रतन टाटा को बुलाकर कहने लगी गवर्नमेंट कि जब भी तुम इसे तनख्वाह दोगे, जब भी तुम इसे तनख्वाह दोगे तो मेरे पैसे काट लेना। जैसे कई बार होता है ना, मेरे पैसे तुम्हारे पास है 10,000 रुपये, ठीक है ना, मेरे तुम पर 10,000 रुपये हैं, ठीक है ना, लेकिन युगल के 5,000 रुपये मेरे पे, युगल तुम्हारा अच्छा दोस्त है, ठीक है ना। अब मैंने कहा मेरे 10,000 रुपये दो, तो युगल ने क्या कहा, अरे भाई मेरे पैसे काट के दे दियो। होता है ना ऐसा या नहीं? तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बात सुनो रतन टाटा, जब भी तुम किसी व्यक्ति को सैलरी दोगे तो इससे टैक्स काट लेना। मैंने कहा मेरा टैक्स मत काटना, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को 50,000 तनख्वाह चाहिए, मेरा टैक्स मत काटना। रतन टाटा ने कहा नहीं भाई, मेरे को गवर्नमेंट कह रही है काटना पड़ेगा, मुझे गवर्नमेंट कह रही है काटना पड़ेगा। तो अब बताओ रतन टाटा बाध्य हो जाएगा या अपनी मर्जी से काट रहा है? वो क्या लॉ में उसे मैंडेट कर दिया कि अगर तुमने रतन टाटा जिस भी व्यक्ति को सैलरी दी और अगर उस पर टैक्स बनता है तो टैक्स काटकर हमें जमा करो, और अगर तुमने टैक्स काटकर जमा नहीं करा तो हम तुम्हें क्या मान लेंगे, एक टर्म लिखो, असेसी इन डिफॉल्ट। क्या मान लेंगे जी? असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट। तो अब रतन टाटा डर गया होगा या नहीं? हाँ, तो अब गवर्नमेंट के लिए तो आसानी हो गई। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर हमें पता लगा कि तेरे एम्प्लॉयज पर, तेरी एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी है जिस पर टैक्स कटना है, जिस पर टैक्स कटना है, तो आप हमें टैक्स काटकर जमा कर दो, अगर आपने टैक्स काटकर जमा नहीं करा तो हम तुम्हें क्या मान लेंगे, असेसी इन डिफॉल्ट। क्लियर है वाली बात? हाँ बोलो। चलिए अब ये बात हो गई। अब लेकिन एक चीज और बताओ, ये तो थी रतन टाटा की बात, क्या रतन टाटा के यहाँ पर ही एम्प्लॉयज है, ठीक है ना, हर फर्म में एम्प्लॉयज है, लेकिन एक फर्म है मान लो चांदनी चौक की, चांदनी चौक की एक फर्म है और एक रतन टाटा। जब रतन टाटा को बोला गया कि भाई मिस्टर युगल तुम्हारे यहां पर जॉब करते हैं, इसे अगर तुम 50,000 रुपये तनख्वाह देते हो तो इसका टैक्स काट लो, रतन टाटा पूछ रहे हैं मुझे क्या पता इसकी तनख्वाह पर कितना टैक्स बनेगा। वो कहता भाई तुझे नहीं पता, अपने सीए से पूछ, तुम्हारे पास तो सीए होंगे ना, तो अपने सीए से पूछो कि 50,000 की सैलरी पर कितना टैक्स बनेगा, क्योंकि हमने पहले से पहले ही तुम्हें टैक्स रेट बता दिए कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति पूरे साल में कितनी तनख्वाह कमा रहा है उस पर कितना टैक्स बनेगा, जितना टैक्स बनता है तुम काट कर जमा कर दो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चांदनी चौक की उस शॉप की जिसकी टर्नओवर सिर्फ 50 लाख रुपए। एम्प्लॉई तो उसके पास भी होगा, उसके पास भी एम्प्लॉई है, वो उसे भी 50,000 रुपए की तनख्वाह दे रहा है। एम्प्लॉई उसके पास भी, वो भी उसे 50,000 की तनख्वाह दे रहा है। गवर्नमेंट आके कहने लगी चांदनी चौक वाले से कि तुम भी क्या करना, टीडीएस काटना। ये कह रहा मुझे तो पता ही नहीं टीडीएस क्या होता है। वो कहता अपने सीए से पूछो, उसने कहा मेरे पास तो सीए ही नहीं है, मैं तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करता हूँ यूट्यूब पर देखकर, ठीक है ना। तो मेरे पास तो सीए नहीं है तो मैं कैसे टीडीएस काटू, मुझे नहीं पता। तो बताओ क्या इस चांदनी चौक वाले व्यापारी को छोड़ दिया जाए इस प्रोविजन से या नहीं? हाँ, छोड़ा जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल छोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि चांदनी चौक वाला जरूरी नहीं है कि वो सीए के कॉन्टेक्ट में हो। मैं तो यहां पर 50 लाख रुपए की सेल बता रहा हूं, हो सकता है 20 लाख की सेल हो, हो सकता है 10 लाख की सेल हो। तो इसलिए एक चीज नोट करें कि टीडीएस के प्रोविजन हर किसी पर अप्लाई नहीं होते, टीडीएस के प्रोविजन हर किसी पर अप्लाई नहीं होते। किस किस पर अप्लाई होते हैं? सबसे पहली चीज कंपनी पर। किस पे जी? कंपनी पर। अगर कोई कंपनी है तो उस पर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है उस पर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। और तीसरा कौन? गलत बोला तुमने। मेरी सुनी नहीं, गलत बोला। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी व्यक्ति की टर्नओवर पिछले साल में, अगर किसी व्यक्ति की टर्नओवर पिछले साल में ज्यादा है 44AB की लिमिट से, मैंने क्या बोला? तीसरा व्यक्ति वो है जिसे टीडीएस काटना है। अगर किसी व्यक्ति की टर्नओवर पिछले साल में, मतलब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, कि टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, तो हम टर्नओवर कौन से ईयर की चेक करेंगे? लास्ट ईयर की, 18-19 की। तो यहां पर 19-20 में अगर कोई व्यक्ति है, मान लो कपिल जैन, और कपिल जैन की पिछले साल में टर्नओवर किससे ज्यादा थी, जो टर्नओवर की लिमिट किसमें लिखी हुई है? 44AB में। चलो बताओ 44AB में कितनी लिमिट लिखी हुई है? ये किसने बोला कि 44AB में लिमिट 2 करोड़ है? गलत बोलते हो आप, दो लोगों को मिक्स कर देते हो। 44AB में लिमिट कितनी है कोई बताए मुझे? 44AB में लिमिट है 1 करोड़। क्या है जी? 1 करोड़, ठीक है ना। और अगर कोई प्रोफेशनल है तो कितनी है बोलो? 50 लाख। प्रोफेशनल के केस में कितनी है? 50 लाख। अभी हम ये भी चेक कर लेंगे। कई लोगों को यहाँ पर भ्रम है, कई लोग ये कहते हैं कि अगर पिछले साल में टैक्स ऑडिट हुआ है, पिछले साल में ऑडिट हुआ है, टैक्स ऑडिट हुआ है, तभी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जब मैं टीडीएस के प्रोविजन को ध्यान से पढ़ता हूं तो वो ये कहता है अगर पिछले साल में तुम्हारी टर्नओवर ज्यादा है, अगर पिछले साल में क्या है तुम्हारी टर्नओवर ज्यादा है। अगर ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति की टर्नओवर है 1,98,00,000, कितनी है जी? 1,98,00,000 टर्नओवर है, लेकिन इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 44AD जो कहता है 6% प्रॉफिट दिखा दो, तुम्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इसने ऑडिट नहीं कराया और 6% टैक्स दे दिया, तो क्या बताओ इस पर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे या नहीं? इस पर भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये सेक्शन, इस वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन हमें क्या रट लगाई हुई है कि अगर पिछले साल में क्या हुआ है,
टैक्स ऑडिट हुआ है, आज से इस वर्ड को चेंज कर लेना। तो तीन लोगों को ऑडिट टीडीएस के प्रोविजन मानने, किसे किसे जी? एक करोड़ से ऊपर टर्नओवर मत बोलना गुरुजी, उतनी टर्नओवर है जो 44AB में ऑडिट करा दे, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए अलग होती है और बिजनेस एंटिटी के लिए अलग। 44AB की लिमिट तो 1 करोड़ है साहब। 44AB में दो लिमिट होती हैं, एक प्रोफेशनल के लिए होती है और एक अदर्स के लिए, और अदर्स के लिए कितनी होती है? 50 लाख। क्लियर है? दिखा दूं मैं तुम्हें एक बार? चलो मैं पहले तुम्हें दिखाई देता हूँ। अब इनकम टैक्स में जब हमें कोई भी चीज़ देखनी है तो कहाँ से देखें, कौन सी साइट से देखें, नोट करो। आज पहली बार मैं तुम्हें उस साइट का दर्शन करा रहा हूँ। आप गूगल पे लिखिएगा इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट लिखने के बाद यहाँ पर ये एक्ट आ जाता है, और जो भी तुम्हें सेक्शन देखना हो, अभी जैसे हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, 44AB, किसकी? 44AB पे सर्च क्लिक कीजिएगा और ये 44AB का आ जाएगा। तो जब आप 44AB को देखेंगे, यहाँ पर कितनी लिमिट है जी? देखो 1 करोड़ रुपीज़। कितनी है जी? तो 44AB में लिमिट कितनी है? 1 करोड़ रुपीज़। और अगर प्रोफेशनल है तो कितनी है जी? 50 लाख रुपीस। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि TDS के प्रोविजन किस पर अप्लाई होते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको भाई, किस पे होंगे अप्लाई? जिसकी टर्नओवर 44AB की लिमिट से ज़्यादा होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी लिमिट से ज़्यादा टर्नओवर है। आप, मैंने एग्जांपल दिया ना, 1,98,00,000 टर्नओवर है, लेकिन अगर मैं 6% प्रॉफिट दिखा दूंगा तो क्या मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा? नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो अगला सेक्शन है 44AD, वो ये कहता है कि तुम्हें 2 करोड़ तक ऑडिट नहीं कराना, बशर्ते तुम अपनी इनकम 44AD में दिखा रही हो। मेरे पॉइंट को समझे? इन दो सेक्शन का कोरिलेट कर पा रहे हो? इसका मतलब यह नहीं है कि ऑडिट की लिमिट 2 करोड़ हो गई। ऑडिट की लिमिट 2 करोड़ नहीं हुई है, ऑडिट की लिमिट तो अभी भी कितनी लिखी हुई है यहां पर? 1 करोड़। 2 करोड़ से अगर ज्यादा है तो मैंडेटरी ऑडिट है, तब तो तुम 44AD ले ही नहीं सकते, समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम्हारी टर्नओवर 1.5 करोड़ है तो वैसे तो 44AB कहता है ऑडिट करा, क्योंकि टर्नओवर कितनी है? 1 करोड़ से ज्यादा। लेकिन 44AD बीच में आ जाता है और कहता है तेरी इच्छा है, या तो मेरे भाई से मिल ले, 44AB से मिल ले, ऑडिट करा ले, या तू मेरे पास आ जा, 6% का प्रॉफिट दिखा दे, काम खत्म कर ले। ये वाली क्लियरिटी हुई यहां पर? यानी बोलो हाँ। तो जब मैं अब TDS के प्रोविजन पढ़ाता हूँ, चलो हम कोई भी सेक्शन देख लेते हैं कि TDS किसे डिडक्ट करना है। जैसे कि मैं एक सेक्शन दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये 44AB क्लियर हुआ? आप नोट करते ना साथ में, 44AB में लिमिट कितनी है? 1 करोड़ है और 50 लाख है। अब हम बात कर रहे हैं किसी सेक्शन की, जैसे कि हमने सेक्शन ले लिया 194J। अभी मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा। जब मैं इस सेक्शन को पढ़ता हूँ तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? अबे भाई वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि TDS कौन व्यक्ति काटेगा, लायबल कौन है। तो मैंने कौन बताया था? एक तो कंपनी, और अब तीसरा वर्ड पढ़ो, तीसरा वर्ड, प्रोवाइडेड फर्दर डेट एन इंडिविजुअल और HUF, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल और HUF को भी TDS के प्रोविजन मानने हैं, लेकिन कब? हुज टोटल सेल्स ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड्स द मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड अंडर क्लोज ए और क्लोज बी ऑफ सेक्शन 44AB ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और 44AB के अंदर कितनी मॉनेटरी लिमिट लिखी हुई थी? 1 करोड़ और
50 लाख। क्लियर है? तो ये मत कहिएगा कि पिछली बार मेरा ऑडिट नहीं हुआ था तो मेरे पे प्रोविजन नहीं लगेंगे। बिना ऑडिट पिछले साल हुए भी आप पर इसके प्रोविजन लग सकते हैं। यहां तक कहानी क्लियर हुई या नहीं, पहले बोलो। बोलो। ये एक जो हमारा डाउट था वो खत्म हो गया हमारा, क्योंकि हमें एक गलत डाउट हुआ करता था कि जब हमारा ऑडिट होगा तो ही हमें ऑडिट टीडीएस के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कल को तुमसे कोई कह सकता है कि ऑडिट नहीं हुआ है तब भी टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे। पहले साल में छूट रहती है, ठीक है ना। अब लेट सपोज अगर मेरी करंट ईयर में ही टर्नओवर है 1.5 करोड़, तो मेरी करंट ईयर की टर्नओवर नहीं देखते, किसकी देखते हैं? प्रीवियस ईयर की। किसकी देखते हैं? इसलिए फर्स्ट ईयर में तुम्हारी इच्छा है, लेकिन कंपनी पर तो लगेगा ही लगेगा, पार्टनरशिप फर्म पर तो लगेगा ही लगेगा। कोई डाउट यहां तक? तो अब ये क्लियर हुआ। तो चांदनी चौक वाले दुकानदार को हमने छोड़ दिया या नहीं? लेकिन अगर चांदनी चौक वाले दुकानदार की टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख है तो लगेगा या नहीं? लगेगा या नहीं? उसने ऑडिट नहीं कराया फिर भी लगेगा ना। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो यहां तक ये डाउट क्लियर है। हाँ, अब हुआ गया, टाटा कंपनी को बोला गया कि तुम क्या काटना भाई? टीडीएस काटना अपने सब एम्प्लॉयज का जिनका टैक्स बनता है। कैसे? कैलकुलेशन किसके पास जाके करवा लेना, सीए से करवा लेना, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। अब टाटा कंपनी ने कहा जाओ देखे तुम्हारे जैसे बहुत, मैं टीडीएस नहीं काटती, ठीक है ना। टाटा कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉय का टीडीएस नहीं काटा। इसकी सैलरी थी 10 लाख रुपए और इस एम्प्लॉय का टीडीएस नहीं काटा। अब भूल गई टाटा कंपनी। अब इनकम टैक्स वाले ने मिस्टर एक्स से बोला कि भाई तेरा टीडीएस काटना था, टाटा कंपनी ने नहीं काटा, तू मेरे को टैक्स दे दे। उसने कहा मैं क्यों दे दूं? वो कह रहा भाई इनकम तो दे रही है मिस्टर एक्स, 10 लाख की इनकम तो तेरी है, तो तेरे को इनकम पर टैक्स तो देना है ना। तूने एडवांस टैक्स दिया और टीडीएस किसे काटना था? टाटा कंपनी ने, ना उसने काटा, ला तू मुझे टैक्स दे दे। बताओ क्या मिस्टर एक्स वो टैक्स देने के लिए बाध्य है या नहीं? मिस्टर एक्स मना कर रहा है, कह रहा मैं तो नहीं देता। जब टाटा कंपनी को टीडीएस काटना था तो वो काट के देगी। टैक्स देना पड़ेगा या नहीं? या वो ये कह सकता है कि टाटा कंपनी से जाके लो? नहीं। बोलो। तो अगर तुम्हारी कोई इनकम है, अगर उस पर किसी ने टैक्स नहीं काटा, तो क्या तुम्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा? तो कौन सा सेक्शन कहता है इस बात को? तो सेक्शन नोट करो, आज का पहला सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 191। क्या है जी? 191। टाइटल लिखो डायरेक्ट पेमेंट। क्या लिखो जी? डायरेक्ट पेमेंट। टीडीएस के सेक्शन वैसे हम पढ़ेंगे 207 से, ठीक है ना। 207 से ये कुछ गड़बड़ हो गया भाई लिखने में, रात को नोट्स बने, 207 से 206, ठीक है ना। 197 शायद कुछ होगा इस तरीके, नहीं 194, 192, 192 से होगा शायद, 192 होगा, ठीक है, देख लेंगे। तो 206 फिर 207 से तो टीडीएस के, ठीक है ना। चलिए, तो इन्होंने क्या बोला, टीडीएस इज डिडक्टेड फ्रॉम, जो टीडीएस काटा जाता है वो सर्टेन स्पेसिफाइड इनकम पर काटा जाता है और पेमेंट्स पे, सारी इनकम और पेमेंट्स पे नहीं काटा जाता। किस पे काटा जाता है? सर्टेन स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाइड इनकम से अगर आप वो लेते हो तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन इसका मतलब ये ना समझना कि अगर टीडीएस नहीं कटा तो वो तुम्हारी इनकम नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा सेक्शन है 191, कहता है इन फॉलोइंग टू केसेस टैक्स इज पेबल बाय असेसी डायरेक्टली, कि दो केसेस ऐसे हैं जिसमें टैक्स असेसी क्या देगा गवर्नमेंट को, डायरेक्ट जमा करेगा। मैंने कहा कौन से दो केसेस है? इनकम ऑफ विच टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स के डिडक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इनकम तो है
लेकिन उस पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सपोज करो, जैसे सपोज करो कि भाई आप लोग मुझे फीस देते हो, आप लोग मुझे फीस देते हो, वो मेरी इनकम है या नहीं है? मेरी इनकम है, तो तुम मेरा टीडीएस काटते हो? नहीं, तो इस वाली इनकम पर टैक्स किसे देना पड़ेगा? मुझे डायरेक्टली देना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज लायबल टू बी डिडक्टेड, टैक्स इज लायबल टू बी डिडक्टेड। जैसे सपोज करो मैं किसी कंपनी में कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मैंने कंसल्टेंसी दी, वहां से 1,00,000 रुपए लिए, तो वहां पर उस कंपनी को टीडीएस काटना था या नहीं? लेकिन मैंने उससे कहा टीडीएस मत काटती हो, वहां पे अकाउंटेंट मेरा स्टूडेंट निकला, तो मैंने उससे कहा कि यार मेरा टीडीएस मत काटियो, तो उसने नहीं काटा, तो टीडीएस लायबल टू बी डिडक्टेड तो था, ठीक है ना, लेकिन बट इज नॉट एक्चुअली डिडक्टेड। तो इन दो केसेस में टैक्स की पेमेंट किसे करनी पड़ेगी? असेसी को खुद। क्लियर है? बोलो जी। हाँ, लेकिन अगर ये क्राइम किसी ने कर दिया कि टीडीएस काटना था और उसने नहीं काटा, अगर किसी ने टीडीएस नहीं काटा जिसे कि टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, और एक सेक्शन अभी हम पढ़ाएंगे तुम्हें, सेक्शन 192, एक एम्प्लॉयर होता है उसे टीडीएस काटना होता है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पर, ये वाला। तो इसका मतलब जिसे टीडीएस काटना था उसने टीडीएस नहीं काटा, देखो क्या वर्डिंग कहता है ये, ध्यान से पढ़िएगा, डज नॉट डिडक्ट, वो सामने वाला टीडीएस नहीं काट रहा है, और आफ्टर डिडक्टिंग, कई लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे को आपसे फीस लेनी है 1,00,000 रुपए, ठीक है ना, अब आपने मेरा टीडीएस काट लिया 10,000 रुपए, डिडक्ट करके रख लिया, मुझे 90,000 रुपए पे कर दिए, लेकिन क्या करा, गवर्नमेंट को जमा नहीं करा, तो आफ्टर डिडक्टिंग फेल्स टू पे या डज नॉट पे, तीन डिफॉल्ट हैं। पहला तो क्या है, काटा ही नहीं, एक दूसरा क्या है, काट कर जमा नहीं कराया, और एक क्या है, जमा ही नहीं कराया, ठीक है ना जी। द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स एंड असेसी, इस वर्ड को हाईलाइट करना, एंड असेसी। अब यहां पर एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, टाटा कंपनी से मुझे सैलरी आनी थी 10,00,000 रुपए की, टाटा कंपनी ने मुझे सैलरी दे दी 10,00,000 रुपए की, और टैक्स काटना भूल गई, या कोई कंपनी है, सपोज दैट कोई कंपनी है जिससे मुझे 1,00,000 रुपए की फीस आनी थी, उसने मुझे 1,00,000 रुपए की फीस दे दी और उसने टीडीएस काटना भूल गई, गलती हो सकती है, ठीक है ना जी। अब गलती हो सकती है, लेकिन मैं ईमानदार व्यक्ति, मेरे पास वो 1,00,000 रुपए की इनकम आ गई, मैंने उस इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया और उस पर बाकायदा टैक्स भी जमा करा, गवर्नमेंट टीडीएस क्यों कटवाती थी कि क्या पता सामने वाला टैक्स जमा ना करे, लेकिन इस वाली इनकम पर गवर्नमेंट, सामने वाले ने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन मैंने काट कर क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब बताओ क्या वो जो कंपनी जिसने टीडीएस नहीं काटा था उस पर जुर्माना लगे या उसे छोड़ दिया जाए, क्या उसे असेसी इन डिफॉल्ट माना जाए, हाँ क्या उसे असेसी इन डिफॉल्ट माना जाए, क्योंकि टैक्स तो आ गया, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हुआ, तो क्या उसे असेसी इन डिफॉल्ट माना जाए। असेसी इन डिफॉल्ट एक टर्म है कि भाई तुम असेसी इन डिफॉल्ट हो, तुम पे पेनल्टी लगाएंगे, क्या माना जाए या छोड़ दिया जाए? नहीं जी। अब पढ़ो इस चीज को, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी व्यक्ति टीडीएस काटता नहीं है, काट कर जमा नहीं करता या नहीं करता है, एंड असेसी हैज आल्सो फेल टू पे टैक्स डायरेक्टली, और साथ में क्या कर रहा है असेसी भी क्या कर रहा है, जमा नहीं कर रहा, ना तो कंपनी ने टीडीएस काट कर जमा करा और ना असेसी ने अपनी मर्जी से अपनी रिटर्न में जमा करा, देन सिर्फ तब, दोनों चीजें होनी चाहिए असेसी इन डिफॉल्ट बनाने के लिए, कितनी चीजें होनी चाहिए, दोनों, किस, एक तो मैंने टीडीएस काट के जमा नहीं करा और उस इनकम पर सामने वाले ने भी जमा नहीं करा, देन सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट एज पर सेक्शन 201।
तो इस वाले केस में ही असेसी इन डिफॉल्ट बनेगा। तो जिन कंपनियों का तुम ऑडिट करते हो, जिन कंपनियों का तुम ऑडिट करते हो, जिन पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करते हो, जिन इंडिविजुअल का ऑडिट करते हो, अगर बाय चांस वो रह जाए टीडीएस काटने से, तो आप ये साबित कर देना कि भाई इस इनकम पर मैंने युगल को 1,00,000 रुपए की सैलरी दी, 5,00,000 रुपए की सैलरी दी, लेकिन मैं टीडीएस काटना भूल गया, लेकिन युगल ने उसे अपनी इनकम दिखा दी और उस पर टैक्स जमा कर दिया, तो मैं बचने के चांस हो जाएंगे या नहीं, बोलो। लेकिन अगर ऐसा लॉ बना दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति टीडीएस नहीं काटेगा, फिर तो कोई असेसी इन डिफॉल्ट बनेगा नहीं। हम सबसे कह देंगे कि भाई हम तो भूल गए तेरा टीडीएस काटना, लेकिन तू अपनी इनकम में दिखा दियो, गवर्नमेंट का तो नुकसान हुआ ना। अब आप एक बताओ, अगर युगल की सैलरी में अप्रैल को सैलरी देते, युगल को अप्रैल की सैलरी देते ना जी 1,00,000 रुपए, तो अगर हमें टीडीएस काटना होता तो टीडीएस काट के हमें टीडीएस जमा कराना होता है 7 तारीख तक, कब तक जी, 7 तारीख तक। तो 7 तारीख तक ये टीडीएस जमा कराना होता है, तो गवर्नमेंट को 7 मई को पैसा मिल जाता या नहीं? लेकिन टीडीएस काटना भूल गए, युगल अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है इनकम टैक्स की, और युगल जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है, वो कब कर रहा है, 31 जुलाई 2020 को, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स जो आना था मई में, कब आ रहा है वो अगले साल जुलाई में, तो गवर्नमेंट का तो नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो असेसी इन डिफॉल्ट बनने से। मैंने कहा कौन सी चीजें, उन्होंने कहा नोट करो अगला सेक्शन आज का, सेक्शन 201। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो टीडीएस नहीं काटते। अगर तुमने ये सेक्शन उन्हें जाके बता दिए ना कि ये सेक्शन है जो टीडीएस नहीं काटते हो तुम असेसी इन डिफॉल्ट बन सकते हो, तो भाई साहब वो टीडीएस काटना शुरू कर देंगे। क्योंकि सेक्शन 201 क्या कहता है, कंसीक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे। अगर तुमने डिडक्ट कर लिया, ठीक है, और पे नहीं करा या डिडक्ट ही नहीं करा, तो तुम्हारे इसके परिणाम घातक होंगे। मैंने कहा क्या होगा परिणाम, परमाणु बम गिरा दोगे क्या? ये कहने लगे पर्सन डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। मैंने कहा यार कैसे तुम मेरे को असेसी इन डिफॉल्ट मान रहे हो, मेरे जिसका मैंने टीडीएस नहीं काटा उसने तो अपनी इनकम दिखा दी ना। उसने कहा सुन, अगर तू चाहता है, प्रोवाइडेड, क्या लिखा है यहां पर, प्रोवाइडेड शैल नॉट बी, क्या बोला है, नॉट बी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। चल तुझे असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी ये तीन शर्तें मान ले। कितनी शर्त मान ले, तीन शर्तें। उसने क्या लिखा, तीन शर्तें, उन्होंने कहा इफ सच पेई, क्या लिखा, सच पेई, यहाँ पे पेई का मतलब क्या है, जिसका टीडीएस काटना था। पेई का मतलब क्या है, जिसका टीडीएस कटना था। पेयर होता है जो टीडीएस काटता है, पेई होता है जिसका टीडीएस कटता है। कहता है अगर तेरे पेई ने तीन चीजें करी होंगी ना तो जा तुझे माफ करेंगे। मैंने कहा क्या तीन चीजें करानी है, फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, कि उसने अपनी क्या फाइल करी हो, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी हो। क्योंकि जैसे ही वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा, हम थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ हमारे टैक्स का नुकसान नहीं हुआ। दूसरा क्या हैज टेकन, Has taken into account, ऐसा थोड़ी है उसने रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन जो इनकम मैंने उसे दी थी वो कंसीडर ही नहीं करी, तो फिर तो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे प्लस has taken into account such sum for computing income in such return of income, कि जब वो अपनी इनकम टैक्स की इनकम बना रहा हो रिटर्न फाइल करने में, साथ में वो उस वाली इनकम को भी क्या कर ले, दिखा रहा हो। क्लियर है, बोलो जी, क्लियर। तीसरी चीज है एंड हैज पेड द टैक्स, हैज हैड पेड द टैक्स। तो ये वाली तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा लेंगे हम, आसानी से नहीं करा लेंगे। हम कह देंगे ना भाई यार देख मैं तो टीडीएस काटना भूल गया, लेकिन तू ही से अपनी क्या दिखा दियो,
तू तो ईमानदार है, तू तो इसे अपनी इनकम में दिखा दियो, रिटर्न फाइल कर दियो। मैंने कहा इससे तो यार मजा आ गया, ये तो झूठ भी बोल देंगे। कई बार मैं तो ये बोल ही दूंगा यार, मैंने जिन लोगों का TDS काटा है ना, जिन लोगों का TDS काटना भूला हूँ ना, सबने अपनी ITR फाइल करी है, सबने अपनी ITR फाइल करी है, सबने अपनी इनकम दिखाई है। उसने कहा अबे तेरी बात नहीं मानेंगे हम। मैंने कहा इस सबूत के लिए क्या मानोगे? उसने कहा हमें ना एक सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? एक एंड द पर्सन फर्निश ए सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अकाउंटेंट। क्या बोला इसने? और यहाँ पर अकाउंटेंट का मतलब अपने लोग मत समझ लेना, ठीक है ना? ठीक है, तो इनकम टैक्स में अकाउंटेंट का मतलब क्या है? CA इन फॉर्म 26A। क्या है जी? 26A। तो अगर आप किसी का TDS काटना भूल गए हो और अगर आप चाहते हो तुम असैसिन डिफॉल्ट ना बनो, तो एक CA से सर्टिफिकेट लिखवा लेना, ठीक है? एक सर्टिफिकेट लिखवा लेना कि भाई देखो इस सामने वाले व्यक्ति ने इस इनकम पर टैक्स दे दिया अपनी ITR फाइल करके। फॉर्म का फॉर्मेट देखना चाहते हो? हाँ, चलिए तो अब हम निकालते हैं फॉर्म 26A। कैसे निकलेगा? अब यहां पे देखो, हम अभी कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 201। ये यहां से इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें और मजा आएगा, क्योंकि जैसे ही तुमने 201 खोला, हमने सारी चीजें तो पढ़ ली, ठीक है ना जी? अब उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई तुम्हें क्या जमा कराना पड़ेगा? एक फॉर्म जमा कराना पड़ेगा। तो यहां पर ना नीचे आ जाता है 100 रिलेटेड रूल्स एंड कंटेंट। तो जब मैं यहां पर जाऊंगा तो यहां पर आ रहा है ना फॉर्म नंबर 26A। तो जब मैं इसे खोलूंगा तो ये मेरा फॉर्म नंबर 26A आ गया। फॉर्म नंबर 26 क्या कहता है? फॉर्म फॉर फर्निशिंग अकाउंटेंट सर्टिफिकेट अंडर द फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 201। अभी हम वही पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब यहां पर क्या कहता है, अब इसे पढ़ते हैं लाइन को। आई कपिल जैन, ठीक है, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, ठीक है ना, इन द केस नेम ऑफ पेयर। मतलब कि यहां पर सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? सप्लायर दे रहा है एक तरीके से, जो TDS काट रहा था, ठीक है ना? किसे दे रहा है? अपना पेन नंबर दे रहा है, अपना टेन नंबर दे रहा है। I do hereby state that I, being the person responsible for paying, has paid to credit account of the payee, कि मैंने युगल को 1,00,000 रुपए दिए, ठीक है ना, 1,00,000 रुपए दिए। I certificate from an accountant, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, that the payee has fulfilled all the condition, कि उसने क्या करी है, सारी कंडीशन फुलफिल कर दी। फुलफिल कर दी क्या मतलब? फुलफिल करने का, अपनी ITR फाइल कर दी, इनकम को कंसीडर कर लिया और टैक्स पे कर दिया। आई फर्दर स्टेट डेट। अब लेकिन एक चीज बताओ, अगर किसी व्यक्ति को इसी पर छोड़ दिया जाए, किसी व्यक्ति को यहां तक लाकर छोड़ दिया जाए, फिर भी ये बताओ, इसने जो डिफॉल्ट करा था TDS ना काटने का, कोई ज्यादा पेनल्टी लगी क्या? कुछ नहीं लगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास अप्रैल का टैक्स मई में आना था, लेकिन आ कब रहा है? तो गवर्नमेंट इस सर्टिफिकेट से संतुष्ट होगी क्या? वो कहती है साथ में हमें क्या दे दे? इंटरेस्ट दे दे। क्या दे दे? इंटरेस्ट दे दे। कौन देगा इंटरेस्ट? पे ही या पेयर? कौन देगा? पेयर। और ये इंटरेस्ट बड़ा ही जुल्मी है, ये इंटरेस्ट बड़ा ही जुल्मी है। सर कैसा है ये इंटरेस्ट? मैंने कहा बता देता हूं, चलो अब तुम बताना। अभी इंटरेस्ट की बात पे आ गए हम, ठीक है? एक व्यक्ति को अप्रैल में 1,00,000 रुपए TDS जमा करना था। कितना जमा करना था? 1,00,000 रुपए उसे TDS जमा करना था। होता होगा बड़ी कंपनियों में तो 1,00,000 रुपए TDS जमा। हाँ, ये TDS अप्रैल का जमा करना होता है कब जी? 7 मई को। 7 मई, जब हिंदुस्तान बोलता है ना कि 7 मई को, तो वो यही समझते हैं कि 7 मई को, 7 मई से पहले नहीं समझते। 6 को समझने पे तो क्राइम लग जाता है उन्हें। तो अकाउंटेंट कह रहा है कि मुझे कब जमा कराना ये? 7 मई को। 6 मई तक तो उसने टेंशन ही नहीं ली। 7 मई को जब वो 1,00,000 रुपए जमा कराने गया तो उसे याद आया उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था उस दिन, और गर्लफ्रेंड नाराज हो रही थी, तो उसने दिमाग में टेंशन होती रही बार बार,
ठीक है ना, वो ये 7 तारीख को जमा करना भूल गए। अब भूल गया तो क्या हुआ, वो उसने कहा चलो मैं कब जमा करा देता हूँ, 8 मई को जमा करा देता हूँ, है या नहीं। हम इस वाले टीडीएस को कब जमा करा देते हैं, 8 मई को। तो अब आप बताओ 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को 7 तारीख को जमा करने थे, गलती से उसने कब जमा करा दिए, 8 तारीख को जमा करा दिए। एक दिन का ब्याज कितना लगना चाहिए अमाउंट में बताओ मुझे, 10 लाख रुपए पे कितना, कैलकुलेट करो फटाफट। एक दिन का ब्याज कितना लगना चाहिए, इन्होंने कहा 15,000। और कोई डन, संडे नहीं है भाई, ये छूट है ही नहीं, नहीं है टीडीएस में, नहीं मैं कह रहा हूँ अभी मानो संडे नहीं है, संडे नहीं है, नहीं है अब मैं बोल दूँ। कितना एक दिन का ब्याज, 15,000। क्या 30 को कराए, चाहे 1 को कराए, क्या एक दिन बाद कराए, क्या अगली 7 से पहले कराए, 7 तक कराए, 30 से पहले, 30 से पहले। मैं आपको बता दूँ एक दिन का ब्याज लगता है 30,000 रुपये, कितना जी, 30,000 रुपये। अभी लॉ की लैंग्वेज पढ़ेंगे और लॉ की लैंग्वेज बताएगी, हालांकि इस लॉ की लैंग्वेज के बाद काफ़ी डिस्प्यूट हुए, कई कोर्ट्स ने जजमेंट दी कि भाई इतना भारी जुर्माना मत लगाओ। मैंने कहा साहब 30,000 रुपये किस हिसाब से लगा रहे हो, उन्होंने कहा भाई इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 201 के हिसाब से, किसके जी, 201(1)(a), ठीक है। मैंने कहा बताओ जी कैसे लगेगा, उसने कहा 1% टैक्स डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, और अभी तो मैं इसे इंटरेस्ट को और बढ़ा सकता हूं, देखना अभी कैसे बढ़ेगा ये। कहता है 1% तो ब्याज इस बात का दो कि तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट होना था, तुमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, और 1.5% भी इस बात का दो कि डिडक्ट तो करा लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करा। और ये कैसे निकाला जाता है, पर मंथ, ठीक है। दोनों चीजें एक साथ कैसे लग सकती है, मैं भी बताऊंगा दोनों चीजें कैसे एक साथ लग सकती है, अभी बताऊंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, तो अगर इस वाले केस में जो हमारा केस चल रहा था, मैंने युगल को सैलरी दे दी, युगल को प्रोफेशनल फीस दे दी, आप लोगों को प्रोफेशनल फीस दे दी, लेकिन टीडीएस काटना भूल गया, लेकिन आपने ईमानदारी दिखाई, अपनी रिटर्न में दिखाया, अपनी रिटर्न में दिखाया और गवर्नमेंट को टैक्स भी जमा कर दिया, तो गवर्नमेंट किस टाइम का पीरियड लेगी, कब से कब तक का ब्याज लेगी, जिस दिन पे करना था, मतलब कि अप्रैल से लेके, कब से जी, अप्रैल से लेकर और कब तक, जुलाई तक का ब्याज, और अगर आप अपनी रिटर्न जून में फाइल कर देते हो तो जून तक का ब्याज, क्लियर है वाली बात। तो हमें सर्टिफिकेट में ये लिख के देना पड़ेगा आई फर्दर डेट, या आई फर्दर, और ये इंटरेस्ट किसे जमा कराना है, एम्प्लॉयर को, किसे, जो टीडीएस काट रहा है। आई फर्दर स्टेट डेट इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 201 अमाउंटिंग रुपीज नॉन डिडक्शन शॉर्ट डिडक्शन हैज बीन पेड बाय मी, जिसकी डिटेल यहां पर मैं दे रहा हूं। तो ब्याज से तुम फिर भी नहीं बच सकते, तो ब्याज तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्लियर हुई ये वाली बात या नहीं। हाँ जी, मैंने क्या बोला कि अगर मैं किसी का टीडीएस काटना भूल जाता हूं तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम क्या बन जाओगे, असेसी इन डिफॉल्ट। मैंने कहा साहब मेरी क्या गलती है, असेसी इन डिफॉल्ट क्यों बना रहे हो। उसने कहा देख अगर सामने वाले ने टैक्स जमा कर दिया तो हम तेरे को असेसी इन डिफॉल्ट बनने से बचा लेंगे, लेकिन बशर्ते क्या है, सामने वाला टैक्स जमा करे, अपनी रिटर्न फाइल करे और तू इंटरेस्ट दे दे, तू क्या दे दे, इंटरेस्ट दे दे, हम तुझे बचा देंगे, तू असेसी इन डिफॉल्ट नहीं बनेगा, क्लियर है या नहीं। ये सारी लड़ाई किसके लिए हो रही है कि हम क्या ना बने, असेसी इन डिफॉल्ट। और अभी मैं तुम्हें जब बिजनेस प्रोफेशन कराऊंगा कि पीजीबीपी के जब सेक्शन कराऊंगा तो वहां पर भी बताऊंगा कि अगर तुमने टीडीएस नहीं काटा किसी का, अब 1 लाख रुपए तुम्हारा खर्चा है ना जी,
₹1,00,000 तुमने सैलरी तो तुम्हारा एक्सपेंस और तुमने टीडीएस नहीं काटा, तो उस खर्चे को तुम पीएनएल में क्लेम नहीं कर सकते। तुम उस खर्चे को पीएनएल में क्लेम नहीं कर सकते, वहां पर डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। वहां पर एक परसेंटेज डिस्कस करेंगे और वहां पर भी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है या नहीं? बोलो, ये 201 क्लियर आ रहा है? क्या अभी हम देखते हैं ये फॉर्म 26A, ये वाला क्लियर हुआ कि कौन सा सर्टिफिकेट? लेकिन साथ में एक अनेक्सचर देना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे ही साइन थोड़ी कर देगा, वो एक अनेक्सचर देगा। अब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके क्या कर रहा है? आई कपिल जैन हैव एग्जामिन द रेलिवेंट अकाउंट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई। सामने वाले के रिकॉर्ड चेक कर रहा है और कह रहा है पेयर हैज पेड, कि सामने वाले ने ₹1,00,000 दिए थे विदाउट डिडक्शन ऑफ होल और पार्ट, ठीक है ना, कि उन्होंने टीडीएस नहीं काटा था। लेकिन पेमेंट कितनी करी, कब पेमेंट करी, सेक्शन कौन सा था, अमाउंट कितना था, क्लियर है जी। और उसके बाद जो पेई ने अपनी रिटर्न फाइल करी है उसमें इस इनकम को कंसीडर कर लिया है। ये वाला सर्टिफिकेट कौन देगा? सीए देगा। क्या देगा? सीए देगा अपना मेंबरशिप डालकर। तो तुम्हें क्या लगता है सीए ऐसे ही दे देगा सर्टिफिकेट? सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई एक बात मेरी मानो कि टीडीएस काटने में गलती ना करना, क्योंकि अगर टीडीएस काटने में गलती कर दी तो तुम क्या बनने जा रहे हो? सीधा असैसिन डिफॉल्टर। असैसिन डिफॉल्ट से बचना है तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। और अभी इनकम जब मैं पीजी भी पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक्सपेंसेस तुम्हारे डिसअलाउ हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी बिजनेसमैन इनकम टैक्स में इस वाले प्रोविजन से पंगा नहीं लेना चाहता। क्लियर हुई ये वाली बात या नहीं? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ चलिए, अब जब यहां तक हमें वाली बात क्लियर हो गई, 201A, ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। ना टीडीएस काटने के कंसिक्वेंसेस पता लग गए आपको या नहीं? हाँ चलो अब आ जाओ आगे। यहां पे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है ₹1,00,000 पर मंथ। तो ये जो सैलरी दी जाती है, अब हम चलते हैं प्रोसेस पे कि प्रोसेस कैसे होगा। जब ये सैलरी दी जाती है तो क्या पूरे साल की अप्रैल में ही फिक्स हो जाती है? फिक्स तो हो जाती है पूरे साल की, या बीच में सैलरी बढ़ती भी है? एक बार हो सकती है, दो बार भी हो सकती है, तीन बार भी हो सकती है। तो अब टाटा कंपनी 30 अप्रैल को अपने एम्प्लॉई को सैलरी दे रही थी। कब दे रही थी? 30 अप्रैल 2019 को अपने एम्प्लॉई को सैलरी दे रही थी, ठीक है जी। तो जब वो सैलरी दे रही थी तो उसने कहा यार इसका ना टीडीएस भी काटना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला टीडीएस काटो। मैंने कहा टीडीएस काटने के लिए कितना टीडीएस काटे, किस रेट से काटे, ये पता होना चाहिए। नहीं तो बताओ किस रेट से कटता है? सैलरी देनी है ₹1,00,000, इन्होंने कहा 10% कटता है। और कोई? तो पहला नोट करो सैलरी के केस में नोट करो, सैलरी के केस में ये थोड़ा सा सेक्शन नोट कर लो 192, सेक्शन नोट कर लो 192। ये उल्टा लग गया, अब ये सीधा नहीं हो रहा, हमने बहुत मेहनत कर ली, ठीक है। अभी टाइम नहीं है तो अभी ऐसे ही नोट कर लो, बाद में R&D करेंगे, ठीक है। हाँ, सेक्शन 192 हेड क्या है? सैलरी। और हमेशा यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कोई रेट नहीं है, ठीक है ना, कोई रेट नहीं है। यहाँ पर लिखोगे क्या चीज़? एवरेज रेट। क्या लिखोगे जी? एवरेज रेट लिखोगे। और अब आप बताओ, एक व्यक्ति की सैलरी ₹20,000 महीना है, तो TDS काट ले उस पर या नहीं काटे? क्यों नहीं काटे भाई? ₹20,000 की तो तनख्वाह ले रहा है, इसकी तो इनकम पर टैक्स बनेगा ही नहीं, तो इस पर टीडीएस काटने की नीड नहीं है।
ठीक है ना। तो इसलिए इसकी सैलरी पर थ्रेशोल्ड लिमिट लिखिएगा इसमें, कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, कब टैक्स कटता है, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, जब वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाए तभी TDS काटना है, अदरवाइज नहीं काटना, ठीक है। अब हमें दिक्कत आ रही है इस व्यक्ति की सैलरी पर TDS काटने में 1,00,000। तो भाई बहुत लोग इंटरव्यू में ये जवाब देकर आते हैं कि सर TDS का रेट है 10%, क्या जी, और वो जवाब गलत होता है, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति की सैलरी 1,00,000 रुपये है, तो 1,00,000 रुपये पे टैक्स कैसे निकाले भाई। इन्होंने कहा कैलकुलेट करो, तो इन्होंने कहा कैलकुलेट करो, तो 1,00,000 रुपये पर मंथ टैक्स निकाले या पहले पूरे साल की सैलरी निकाल ले। लेकिन सैलरी तो बीच में बढ़ भी सकती है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि अभी फिलहाल ही है। तो ध्यान रखना, अगर आप सैलरी का TDS काटते हो तो आपकी वर्किंग बहुत बढ़ने वाली है। अगर आप अदर देन सैलरी TDS काटते हो तो आपकी वर्किंग कम होने वाली है। तो इसलिए एक चीज नोट करो, सैलरी की TDS की रिटर्न अलग जाती है और अदर देन सैलरी की रिटर्न अलग जाती है। जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक कंपनी में कितनी रिटर्न जाती है एक क्वार्टर में, दो। तो एक होती है सैलरी की और एक होती है अदर देन सैलरी, क्योंकि सैलरी में पेच बहुत ज्यादा होते हैं जबकि अदर देन सैलरी में पेच कम होते हैं। कोई डाउट? तो यहां पर जब हम सैलरी पर TDS बनाएंगे तो अप्रैल में हम कब बैठे, 30 अप्रैल को कब बैठे, 30 अप्रैल को बैठे, तो हम ये मान के चल रहे, हाँ भाई बताओ बंसल साहब आपकी सैलरी कितनी है, 1,00,000 रुपये। अरे भाई मेरा इंक्रीमेंट भी होने वाला है, अरे भाई अभी तो हमारे पास डाटा क्या है, 1,00,000 है ना, इंक्रीमेंट जब होगा तब की। तो हम ये मान के चल रहे हैं तुम 12 महीने तक, ये पहले से ही बन जाता है भगवान कि ये व्यक्ति 12 महीने तक जिंदा रहेगा, ठीक है, और जिंदा रहेगा और हमारी कंपनी में ही रहेगा, ठीक है, और हमारी कंपनी में ही रहेगा। ये इनकम टैक्स वाले भगवान बना देते हैं सामने वाले को कि तुम सैलरी कैलकुलेट करो 12,00,000, और 12,00,000 रुपये पे क्या निकाल लो, टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी मैंने पहली क्लास में निकालनी बता दी थी, मुझे फटाफट बता दो टैक्स लाइबिलिटी कितनी निकलेगी इसमें। पहली क्लास में बता दिया था ना मैंने स्लैब रेट, बताओ फटाफट। अब स्लैब रेट पन्ने पलट के देख रहे हैं हम, एक लाख 72,500 बैठेगा ना शायद, हाँ जी 2,50,000 रुपये तक तो कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 रुपये से 5,00,000 तक 5%, 12,500, 5,00,000 से 10,00,000 तक 20%, कितना जी 60,000, सॉरी 1,00,000, 1,00,000 हो गया ना, और 10,00,000 से ऊपर 30%, तो 2,00,000 पे 60,000, तो 1,72,500 सही लिखा है मैंने, हाँ जी 4% से 4% ऐड कर लो, इसका 4% ऐड कर लो, 6,900 कितना हो गया टोटल, 179,400 ये टैक्स बनता है। तो मैं सैलरी दे रहा हूँ बंसल जी को 1,00,000 रुपये, मैंने कहा बंसल जी 1,00,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है लेकिन तुम्हारा टैक्स कितना है, 80,000। ऐसा करो घर से ले आओ 80,400 रुपये, गलत हो जाएगा या नहीं, क्योंकि ये टैक्स कितने दिन का है, 12 महीने का है, और सैलरी तुम मुझे कितने महीने की दे रहे हो, तो इस वाले टैक्स को किससे भाग कर दो, 12 से भाग करो, कितना आया, 14,950। बंसल जी खुश हो रहे थे, 1,00,000 की तनख्वाह है, 1,00,000 की तनख्वाह है, लेकिन घर पर कितने रुपए गए उन्हें कट कर, ठीक है लगभग 85,000 रुपीज कट कर, 85,000 रुपीज बंसल जी घर लेकर गए, बड़े निराश हुए। रस्ते में मैं मिला, उन्होंने कहा सर मेरा तो टैक्स कट गया। मैंने कहा क्या टैक्स कैसे कट गया, कह रहा साहब पता नहीं कैसे काट लिया। मैंने कहा जरा दिखाओ मुझे, मैंने कहा यार टैक्स तो तुम्हारा ज्यादा कट गया,
मैंने कहा ऐसा करो तुम ना डिडक्शन ले लो, तुम क्या ले लो डिडक्शन ले लो, आगे हम चल के तुम्हें बताएंगे डिडक्शन का चैप्टर होता है कि भाई तुम क्या करा लो LIC करा लो अपनी, मेडिक्लेम करा लो, बच्चों की स्कूल फीस जमा करा दो, ये सारी चीजें जमा करा दो। और मैंने कहा ये कितने की जमा करा दो, 2 लाख रुपए की, कितने की, मैंने कहा अंदाजा साल में 2 लाख रुपए का ये जमा करा दो। उसने कहा तनख्वाही 85,000 आई है कट के, तो मैं तुम कह रहे हो 2 लाख रुपए का ये जमा करा दो, मैंने कहा भाई मैं अभी नहीं कह रहा, पूरे साल का तो करा दो, पूरे साल का जमा करा देना। उसने कहा साल का तो जमा करा दूंगा लेकिन मैं अभी नहीं जमा कराऊंगा, जनवरी फरवरी में मैं LIC कराता हूँ तब कराऊंगा, तभी मैं मेडिक्लेम कराऊंगा जब बोनस मिलेगा मुझे। अब ये गया अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट से कहने लगा यार मेरी जो इनकम है ना 12 लाख रुपए तो है लेकिन मेरी इसमें क्या है 2 लाख रुपए की डिडक्शन है, तो तू टैक्स कितने पे निकाल, 10 लाख रुपए पे। अकाउंटेंट कहने लगा कंपनी का ला डिडक्शन के पेपर ला। उसने कहा यार डिडक्शन के पेपर अभी तो नहीं है, डिडक्शन के पेपर अभी तो नहीं है लेकिन मैं करा लूंगा। उसने कहा भाई मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, पता चला मैंने तेरा टैक्स कम काट दिया, पता चला मैंने तेरा TDS कम काट कर जमा करा और कल को तूने जाकर LIC नहीं कराई, तू तो वैसे ही सोच रहा है कि सितंबर अक्टूबर के बाद निकल लूंगा यहां से, तो फिर मैं तो फंस जाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पे क्या केस लग जाएगा, शॉर्ट डिडक्शन का, क्या लग जाएगा, शॉर्ट डिडक्शन का। तो बताओ ये 2 लाख रुपए की डिडक्शन जो वो मार्च में जाके करेगा, फरवरी में जाके करेगा, क्या उसे बेनिफिट दें अभी या नहीं दें? तो ध्यान रखो 30 अप्रैल को ही, बल्कि अप्रैल के महीने में ही कंपनी एक देती है इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म, क्या देती है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म, और वो उस इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर ये लिख कर दे देती है कि भाई देख हमारे हिसाब से तेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए इतना टैक्स बनता है, अगर तेरी कुछ इन्वेस्टमेंट है तो हमें बता दे, भर के दे दे, अभी प्रूफ मत दे, अभी तो सिर्फ भर के बता दे कि तेरी एक्सपेक्टेड टर्नओवर, एक्सपेक्टेड डिडक्शंस कितनी होंगी, और अगर तूने एक्सपेक्टेड डिडक्शन जो बताएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिडक्शन जो बताएगा वो हम उसे कंसीडर कर लेंगे। एक व्यक्ति ने कहा मेरी एक्सपेक्टेड डिडक्शन होगी 10 लाख रुपए मेरी एक्सपेक्टेड डिडक्शन होगी 10 लाख रुपए और मेरे पे कोई टैक्स नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा भाई सर्टिफिकेट दे रहा हूँ ना, साइन करके दे रहा हूँ, बताओ कंपनी मानेगी या नहीं, नहीं माने। मानना पड़ेगा। अगर वो उस इन्वेस्टमेंट फॉर्म पे कंपनी क्या करती है, एक लाइन और लिख देती है, ठीक है ना, कि हम तेरा TDS की कैलकुलेशन कर रहे हैं तेरे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म की वजह से, और अगर कल को तूने ये इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो इनकम टैक्स में हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, हमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, इसे ही पेनल्टी लगेगी, और ये जो डॉक्यूमेंट के प्रूफ है तुम हमें जमा कर देना जनवरी 2020 तक, फरवरी 2020 तक। कंपनी अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बना लेती है कि कल को जनवरी फरवरी तक जमा कर देना, अगर उस टाइम तक जमा नहीं करे तो उन महीनों की सैलरी में से सारा उड़ा देंगे एक बार में, ठीक है ना। तो क्लियर हुई? तो इसलिए आप नोट कीजिए, कंपनी के अंदर आप अपने सारे एम्प्लॉइज से क्या साइन करा के रख लें, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा, अब तुम अकाउंटेंट हो, एक मार्केटिंग वाले ने बोल दिया ना अरे तेरा दोस्त इन्वेस्टमेंट कर देगा, तू टेंशन मत ले, TDS मत काट, ठीक है ना, उसकी बात मत मानना भाई, क्या करवा लेना, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा के रख लोगे तो तुम यहां पर सेफ हो जाओगे। अब हर महीने 14,950 टैक्स कट रहा था लेकिन बंसल जी की सैलरी बढ़ गई, बीच में जाकर हो गई 2 लाख रुपए महीना, तो अब क्या TDS की कैलकुलेशन दोबारा की जाए? तो TDS की दोबारा कैलकुलेशन क्या की जाती है, दोबारा से टैक्स पेबल निकाला जाता है, ठीक है ना जी। और दोबारा से टैक्स पेबल निकालने के बाद जो पहले से ही TDS डिडक्ट हो चुका है उसे क्या कर दिया जाता है, लेस, और जो रिमेनिंग टैक्स पेबल बनता है उसे रिमेनिंग मंथ जितने बचे, मतलब कि दिसंबर में सैलरी रिवाइज हुई,
तो अब कितने मंथ बचे हैं भाई? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसे चार महीनों में बांट लिया जाता है, जिससे कि ना तो टीडीएस ज़्यादा जमा करे ना टीडीएस कम जमा करे। क्लियर हुई यहाँ तक कहानी? यानी बोलो इसमें कोई डाउट है? इन्होंने कहा सर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म का नंबर क्या है? नंबर मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, मैं आपको सर्टिफिकेट हमारे पास आता है तो हम आपको मेल पे प्रोवाइड भी कर देंगे कि क्या फॉर्मेट होगा, गूगल पे भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है जी। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक व्यक्ति ने नौकरी ज्वाइन करी जनवरी 2020 में, कब करी जी? अब अकाउंटेंट के पास आया जी, नौकरी ज्वाइन करके आया है और इसकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए। कितनी है जी? 1 लाख रुपए या 80,000 मान लेते हैं। 80,000 रुपए की वो तनख्वाह लेकर आया, उसकी तनख्वाह पर अकाउंटेंट ने कहा टीडीएस कटेगा। उसने कहा टीडीएस कैसे कटेगा, बता इनकम कितनी है। कह रहा भाई 80,000 रुपए ना, 80,000 × 12। उसने कहा तेरी कंपनी में कितने दिन से आए हो? जनवरी से आए हो ना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने की सैलरी कैलकुलेट कर कितनी हुई, 2,40,000। 2,40,000 हुई, ठीक है? 2,40,000 रुपये हुई, टीडीएस मत काट लियो 1 भी रुपया। अरे भाई तू जनवरी से पहले भी तो आया था, अप्रैल से दिसंबर में तू बता तो रहा था कि अप्रैल से दिसंबर में XYZ प्राइवेट लिमिटेड में था। उसने कहा हाँ था, लेकिन फ्री में था मैं तो वहाँ, मुझे तो वहाँ सैलरी मिल ही नहीं रही थी। उसने कहा भाई सैलरी की डिटेल देते, वहाँ पे कर रहा होगा काम। क्या ये मिस्टर एक्स बाध्य है वो सैलरी की डिटेल देने को, या देनी पड़ेगी? टीडीएस कटना देनी पड़ेगी, इनकम बतानी पड़ेगी। देनी पड़ेगी या उसकी इच्छा है? हाँ देनी पड़ेगी। चलो तुम इमेजिन करो, वो इंटरव्यू जब क्रैक करा उसने बोला था कि मेरी वहां पर सैलरी 1 लाख रुपए है, वहां पर सैलरी मेरी 1 लाख रुपए जब इंटरव्यू क्रैक करा था। अब अकाउंटेंट कह रहा है टीडीएस काटने के लिए तू मुझे सारी सैलरी दे, लेकिन वहां से सैलरी अकाउंट में कितनी आ रही थी, सिर्फ 40,000। तो ये पॉलिसी भी हो सकती है कि आप हमारी सैलरी डिस्क्लोज ना करो कहीं। तो क्या उसे सैलरी की डिटेल देनी पड़ेगी, इनकम की डिटेल, या मर्जी है? दोनों कंडीशन आप सोचो खुद, कॉमन सेंस लगाओ। या इस वाली सैलरी पर 80,000 पे 12 से कैलकुलेट करा दो, तो नोट करो भाई, एम्प्लॉई बाध्य नहीं है, एम्प्लॉई मे, वर्डिंग क्या लिखी हुई है, एम्प्लॉई मे गिव द डिटेल्स ऑफ प्रीवियस सैलरी एंड अदर इनकम। एम्प्लॉई क्या कर सकता है, दे सकता है, मर्जी है उसकी। शैल वर्ड नहीं लिखा उन्होंने, क्या लिखा हुआ है, दे सकता है, इच्छा है। अच्छा बताओ देनी चाहिए या नहीं? देनी चाहिए। अब पूछो कैसे, मैं आपको बता दूं होता क्या है। एक व्यक्ति की सैलरी थी 1 लाख रुपए इंटू 12, 12 लाख रुपए थी, उसका टीडीएस भी कटना था, टीडीएस कट रहा था, लेकिन ये ना इंटरेस्ट इनकम कमाता था। कितनी इनकम कमाता था? इंटरेस्ट इनकम थी इसकी 2 लाख रुपए, लेकिन ये जो इंटरेस्ट इनकम कमाया करता था इसकी डिटेल अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताता था। क्यों बताए? मर्जी है। अब लेकिन इसने बताई नहीं इंटरेस्ट इनकम, लेकिन इस इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो जब इसे टैक्स देना पड़ा इस इंटरेस्ट इनकम पे, तो इस वाली इनकम पर तो टीडीएस कट गया ठीक से, और इस पर जब इसे टैक्स देना पड़ा तो टैक्स के साथ साथ क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट भी। क्या देना पड़ा? तो अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो भी किसे बता दो, एम्प्लॉयर को बता दो कि भाई ये मेरी इनकम है, जब तू कैलकुलेशन बनाए ना टीडीएस की, ये इनकम भी कंसीडर करके टैक्स काट के जमा कर दी। क्लियर है मेरी बात या नहीं? बोलो, ठीक है। तो आपकी जो भी डिडक्शंस है, जो भी आपकी इनकम है, या मान लो हो सकता है वो व्यक्ति हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कमा रहा हो, आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा एक हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है जो रेंटल इनकम होती है हमारी, लेकिन अगर मैंने घर खरीद लिया और वो घर खरीद लिया मैंने लोन पर, किस पे खरीद लिया जी, तो जो लोन का इंटरेस्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्योंकि इनकम तो हुई नहीं,
घर किराए पे ले रख, घर उस पे ले रखा है लोन पे, तो मेरे को क्या देना पड़ रहा है, ब्याज। तो जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, मान लो कि 1,00,000 रुपये हुआ, कितना हुआ जी, 1,00,000 रुपये हुआ, तो ये जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है ये सैलरी से सेट ऑफ हो जाता है, कि 12,00,000 की सैलरी है और लॉस कितना है, 1,00,000। तो कितनी इनकम हुई तेरी नेट, 11,00,000। तो हमें उस पर टैक्स दे दे। तो ये वाली डिटेल तुम्हें किसे बतानी, अपने एम्प्लॉयर को। क्लियर हुई यहाँ तक कहानी, बोलो सैलरी क्लियर हो रहा है, कि सैलरी पे टीडीएस की कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं। हाँ, अगली चीज, एक व्यक्ति था मेरे पास, मान लो वो बिहार का था या यूपी का था, कहीं का भी था। अब उसने मेरे से कहा कि सर आप मुझे तनख्वाह दे रहे हो, मैंने कहा हाँ। कह रहा सर आप ना तनख्वाह ना अपने पास जोड़ते रहो, मेरे अकाउंट में रहेंगे तो मेरी बीबी छीन लेती है, ठीक है ना, मेरी बीबी भी मेरे अकाउंट की डिटेल रहती है, तो आप ना मतलब मुझे सैलरी अभी अकाउंट में क्रेडिट मत करो। हमने कहा ठीक है। तो हम उसे एंट्री करते रहे अपने पीएनएल अकाउंट में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, ठीक है ना जी, 50,000 रुपये महीना, ठीक है। अब ये व्यक्ति गया 2 साल बाद अपने घर, इसने कहा सर मेरी सैलरी बनती है 12,00,000 रुपये, मुझे 12,00,000 रुपये सैलरी दे दो। हमने कहा ठीक है, हमने 12,00,000 रुपये सैलरी किसे दे दी, कोई दिक्कत है। तो जब हमने अप्रैल 2019 में सैलरी पे नहीं करी है, क्या करी है सिर्फ अभी ड्यू, क्या करी है ड्यू करी है, तो क्या इस पर भी टीडीएस जमा करना पड़ेगा? बोलो, हाँ नोट करो आज, कि सैलरी के केस में कभी भी ड्यू बेसिस पर टीडीएस जमा नहीं होता, पेमेंट बेसिस पर होता है। किस पर होता है? पेमेंट वाले करते हैं, उसका कैसे करते हैं? हाँ वही बता रहा हूँ, कि सैलरी के केस में कभी भी टीडीएस ड्यू बेसिस पर नहीं होता, पेमेंट बेसिस पर होता है। तो अगर कभी किसी की सैलरी पर टीडीएस काटना भूल भी जाओ तो उसे पे मत करना, उसे क्या मत करना, तो आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि सैलरी के केस में सिर्फ, अभी मैं सिर्फ किसके लिए बता रहा हूं, ओनली फॉर सैलरी, ठीक है। अगर पे कर दी तो टीडीएस जमा करना पड़ेगा, वो तो हो ही गया ना जी, वो तो वॉयलेशन हो ही गया ना। तो सैलरी के केस में क्या नोट करना है हमें, कि सैलरी के केस में क्या होता है, हाँ टीडीएस पे ड्यू बेसिस पर नहीं होता, किस बेसिस पर होता है, पेमेंट बेसिस पे। क्लियर है कहानी? लेकिन बहुत लोग हर बार एक ही रट लगाए रहते, ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और पेमेंट विच लिए हर जगह लगता है, लेकिन कहाँ नहीं लगता, सैलरी पर नहीं लगता। आ जाओ लिख लो भाई, बिल्कुल नहीं ठीक करते हो गवर्नमेंट। अरे भाई गवर्नमेंट को तुम कह रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है कि मुझे टीडीएस तब दियो जब तू इसे सैलरी पे करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट अभी ले ले, तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं अभी मत दे। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे नोट करो भाई, मैंने हाईलाइट करा है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो सैलरी एक ऐसा हेड है जिसमें जो टीडीएस होता है कभी ड्यू बेसिस पर नहीं होता, किस पर होता है, पेमेंट बेसिस पर। यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? चले अगला सेक्शन ले, तो सैलरी का कर लोगे, चले तो सैलरी का हम रिटर्न कर लेंगे। टीडीएस कब जमा होता है, कौन सी तारीख को जमा करना होता है, 7 तारीख को। तो अगर मैंने दिसंबर में टीडीएस काटा तो कब जमा करेंगे, 7 जनवरी तक। अगर जनवरी का काटा तो कब, 7 फरवरी। और फरवरी का काटा तो 7 मार्च। और मार्च का काटा तो, मार्च का काटा तो, ये भी नोट कर लो भाई, कि टीडीएस हमेशा एवरी मंथ की 7 तारीख को जमा होता है,
लेकिन मार्च के महीने का गवर्नमेंट कहती है बेटा कोई बात नहीं, इस बार तो तू रेस्ट कर ले। कब तक जमा होता है? 30 अप्रैल तक। अब मुझे दो तुम्हें हैवी हैवी सेक्शन और कराने, क्योंकि टीडीएस के कुछ सेक्शंस हैवी हैं, कुछ सेक्शन आपके डेली रूटीन के, तो डेली रूटीन के सेक्शन भी करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले जो दो हैवी सेक्शन है वो करा दूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, जी जी, किसी ने अप्रैल में इस जून में सैलरी दे दी और टीडीएस नहीं करा, हाँ, उस कंडीशन में अब जुलाई मान ली पेमेंट करनी है। भाई देखो, अब आप अभी हम ये देखेंगे कि अभी तो हमें ये है लो वॉयलेट ना करें, अभी हम ये बता रहे हैं कि लो अगर चल रहा है तो। अगर आपने गलत करा है, टीडीएस काटना भूल गए हो, तो भाई देखो इंटरेस्ट जमा करो, इंटरेस्ट के साथ जमा करो, अभी उसकी कैलकुलेशन पे आएंगे, ठीक है। तो हमें हर 7 तारीख को क्या करना है? जमा करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने 10,000 एम्प्लॉइज का टीडीएस काटा, कितने का काटा? 10,000 का। तो भाई देखो टीडीएस तुम्हारा काट के जमा कर रहे हैं, तुम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे, भरोगे या नहीं बोलो? तुम इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे, तुम्हारे पास अपना एक पैन नंबर होगा या नहीं? तो मैं क्या करूंगा, 10,000 बार टीडीएस जमा कर दूंगा, एक बार युगल का, एक बार इनका, एक बार इनका, 7 तारीख को नहीं। तो गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे फिर? नहीं नहीं, ये कह रहे एक चलान जमा होगा, तो चलान में किसका पैन नंबर डालू, युगल का डालू, बंसल जी का? तो ध्यान रखो, टीडीएस जमा करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है 10 नंबर। क्या है जी? 10 नंबर। बिना 10 नंबर के आप टीडीएस जमा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आप बिना 10 नंबर के भी टीडीएस जमा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में क्या होता है, बिना 10 नंबर के टीडीएस जमा नहीं होगा। अगर तुम्हें टीडीएस काट कर जमा करना है तो तुम्हें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? 10 नंबर। और मजे की बात, अगर आज की डेट में तुम कोई नई कंपनी बनाते हो तो तुम्हें ये गिफ्ट में मिलता है, ठीक है ना। 10 नंबर अप्लाई नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट कहते थे कंपनी है तू, आज नहीं तो कल तेरे पे टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा ही होगा, तेरे लिए कोई लिमिट तो है नहीं। तो ये क्या करते हैं कि जब भी आप कंपनी अप्लाई करते हो तो वहाँ पर पैन नंबर और 10 नंबर दोनों गिफ्ट में मिलते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म है तो उन्हें क्या करना पड़ता है? अप्लाई। क्या करना पड़ता है? अप्लाई। अप्लाई के लिए फॉर्म कौन सा होता है? 49। नोट करो, 49B। कौन सा है जी? 49B। ऑनलाइन अप्लाई होता है, पता नहीं 100 रुपये के अंडर अंडर उसकी फीस लगती है। पार्टनरशिप में तो कंपलसरी है ना, फर्स्ट डे से टीडीएस। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप का कोई ऐसा तो होता नहीं ना कि तुरंत की तुरंत तुम्हें दे दे कोई, अपने आप तो देते नहीं। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड तो कराता नहीं है कोई व्यक्ति, ठीक है। और रजिस्टर्ड करा भी लेंगे तो कहाँ होती है? SDM कोर्ट में होती है। नहीं, कोई लिमिट नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट डे से लगता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, 49B, ये हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। अगर कोई बच्चा कहता है कि प्रैक्टिकल बताओ 49B कैसे होता है, वो भी हम आपको कराएंगे, लेकिन आज पहले हम प्रोविजन जो है वो क्लियर कर लें, ठीक है। तो 49B आपको अप्लाई करना होता है। तो अगर किसी का 10 नंबर अप्लाई करना हो तो इसकी फीस बहुत सारे लोग 1,000 रुपये से लेकर 2,000 तक ले लेते हैं, और फीस कितनी लगती है? 70-75 रुपये कुछ ऐसी, 75 रुपीज़ लगती है, और 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से। कितने मिनट? 5 मिनट टाइम देख के। तो किसी को 10 नंबर पहले तो बताओ। देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए? जो चीज़ तुम कर रहे हो उसके फ़ायदे बताओ लोगों को, उसके नुकसान बताओ कि अगर ये नहीं करा तो क्या। जैसे मैं अभी मार्केटिंग कर रहा था ना बैच शुरू होने से पहले से, अरे भाई तुम GST का बैच भी ले लो, ठीक है, अभी इनकम टैक्स ले रहे हो। हाँ, तो इनकम और जो GST का ले रहे होते हैं मैं उनसे कहता हूँ इनकम टैक्स ले लो। अरे अगर मैं अपने बिजनेस को मार्केट नहीं करूँगा तो बेचेंगे थोड़ी। मैं बताता हूँ ना GST के क्या फ़ायदे हैं, इनकम टैक्स के क्या फायदे। ऐसे ही बताओ ही नहीं ये सेक्शन कि तुम क्या बन जाओगे, असैसिन डिफॉल्ट बन जाओगे, ठीक है ना। तो फिर आपको बिजनेस भी आएगा,
यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं आपको आज की डेट में बता दूँ, बहुत सारे लोग इस TDS के प्रोविजंस को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे क्या सर, 80% लोग, 80% से ज़्यादा। खैर इतने तो नहीं होंगे, जिनके CA अच्छे हैं, ऑडिटर अच्छे हैं, वो तो कराते हैं, उसमें 20% भी आते हैं वो, ठीक है ना। बाकी कोई लोग, क्योंकि पता ही नहीं होता इतना, कोई पता ही नहीं होता कि असैसिन डिफॉल्ट भी बन जाएगी। क्लियर है? तो हमारे को क्या चाहिए होता है, 10 नंबर, और हम कब करते हैं, 7 तारीख को जमा। अब हुआ क्या, ये सेक्शन बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको सारे सेक्शन लगभग कोशिश करूंगा कराने की जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहेंगे, ठीक है। कुछ सेक्शन शायद मैं ना कराऊँ आपको, जिसका मतलब कि ओरिजिनली हमें इतना प्रैक्टिकल लाइफ में इतना यूज नहीं होता, उन्हें आप पढ़ लोगे घर से, और अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा। तो मैं तुम्हें सबसे पहला सेक्शन बता रहा हूं, सेक्शन 194 IA। मैंने क्या बोला, IA, ये आई के बाद आया, IA लगकर, ओरिजिनल नहीं था ये, ठीक है, बाद में पैदाइश हुआ ये। हाँ ओरिजिनल तो आई था ना, ठीक है, तो IA आया तो इसका मतलब बाद में आया ना। और एक सेक्शन है IB, ये दो सेक्शन बताता हूँ इसका रोल क्या है। बहुत लोग इस सेक्शन को भी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें कल को दिक्कत आ जाएगी। और ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन ये कहता है, क्या रॉ के बाद आया IB, रॉ के बाद मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। अच्छा इंटेलिजेंस ब्यूरो, चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ। पहले हम आई की बात करते हैं, IA की, ठीक है। होता क्या था, गवर्नमेंट को जहां भी टैक्स की चोरी दिखेगी, जहां भी टैक्स के कलेक्शन में दिक्कत दिखेगी, तो वहां पर वो एडवांस टैक्स लगा चुकी है, और नहीं तो क्या लगाएगी, TDS लगाएगी। क्योंकि TDS लगाने का पर्पज क्या होता है, एक तो टैक्स मेरे पे जल्दी आ जाए, TDS लगाने का पर्पज क्या, टैक्स जल्दी आ जाए, और एक क्या होता है, मुझे पता लग जाए कि ये व्यक्ति कितनी इनकम कमा रहा है। तो ये सेक्शन क्या कहता है, इस बात को ध्यान से समझना, ये कहता है कि मिस्टर एक्स है, ठीक है, आप जनरली जो प्रॉपर्टी अपनी खरीदते हो, तो प्रॉपर्टी किससे खरीदते हो, बिल्डर से, बिल्डर से खरीदते हो। अब मिस्टर एक्स ने एक प्रॉपर्टी खरीदी XYZ बिल्डर से, बिल्डर ने जब इस प्रॉपर्टी को सेल करा, वो सेल करी 60 लाख रुपए की, कितने की, 60 लाख रुपए की सेल करी। लेकिन बिल्डर, तुम्हें पता है कि बिल्डर लोग माफिया टाइप के होते हैं, वो जनरली टैक्स वैक्स देना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो कहते हैं मेरी जान पहचान है, इनकम टैक्स ऑफिसर से देख लूँगा, ठीक है ना, क्या कर लेगा वो ये। तो बिल्डर ने जब ये 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची होगी, जब ये 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची होगी, तो क्या बिल्डर को प्रॉफिट हुआ होगा या नहीं, कैपिटल गेन होता है इस वाले केस में, कैपिटल गेन हुआ होगा या नहीं, कैपिटल गेन हुआ होगा। वो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं देता, वो कई बार तो वो ये कि मैंने प्रॉपर्टी बेची, वो कभी अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाता, कभी अपनी ITR में ही नहीं दिखाता, जब वो दिखाता ही नहीं है तो वो टैक्स क्या देगा। तो गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स को क्या बोला, मिस्टर एक्स बात सुन, अगर तू कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, क्या करता है, परचेज करता है कोई भी प्रॉपर्टी, मिस्टर एक्स एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान है बेचारा, सैलरी वैलरी कमाता है, लेकिन उसने 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली, लोन पे ले ली, जैसे मर्जी ले ली, और XYZ को 60 लाख रुपए देने गया। उसने कहा मिस्टर एक्स रुक जा, बिल्डर को 60 लाख रुपए नहीं देगा। वो कह रहा क्यों नहीं दूंगा यार, मैंने 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है। उसने कहा ऐसा कर, बिल्डर टैक्स नहीं देगा, तू ऐसा कर उसका TDS काट ले। क्या काट ले, TDS काट ले, कितने परसेंट, 1% TDS काट ले, 6 लाख रुपए, 60,000 रुपए और काट कर हमें दे दे। उसने कहा पागल हो गए तुम, मैं तुम्हें TDS काट कर जमा करूँ, मैंने कंपनी में सुना था अकाउंट्स वालों को वो बाल नोच ले लेते थे, TDS तो प्रोविजन बड़े कठिन होते, TDS काटने के लिए तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, CA के, 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, और 10 नंबर लेने के बाद TDS जमा करना पड़ेगा, और TDS जमा करने के बाद TDS की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करने के बाद मुझे TDS का सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। उसने कहा मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीदता। तुमने यार इतने झंझट करा दिए, एक प्रॉपर्टी क्या खरीद ली। उसने कहा नहीं सुन, बात सुन, बात को समझ,
ये बिल्डर लोग टैक्स नहीं देते। अगर तू प्रॉपर्टी खरीदेगा तो तुझे 1% TDS काट कर जमा करना पड़ेगा। उसने कहा यार देखो मुझे 1% काट कर जमा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्डर तो इस टाइम कह रहा है कि मेरे से प्रॉपर्टी खरीद लो। अगर मैं उसे कहूँगा कि लो में लिखा हुआ है 1% TDS काटना है, वो कटवा भी लेगा, 60,000 रुपये TDS काट के मैं दे भी दूंगा। लेकिन भाई साहब तुम ना मेरे से नगद ले लो, मेरे से चेक से ले लो, लेकिन इस झमेले में मत पालो, मुझे कंप्लाइंस से बड़ा डर लगता है। उसने कहा ठीक है ऐसा कर, तू 1% उसका TDS काट करना, सिर्फ ना एक फॉर्म होता है, क्या होता है एक फॉर्म, उस फॉर्म का नाम होता है 26QB, क्या होता है जी, QB, तुम सिर्फ वो फॉर्म जमा करा दो। कह रहा 10 नंबर नहीं लेना, कहता नहीं लेना, ठीक है, कहता TDS की रिटर्न फाइल नहीं करनी, कहता नहीं करनी, सर्टिफिकेट नहीं देना, कहता नहीं देना, सिर्फ क्या कर दे 26QB जमा कर दे, और QB जब जमा करेगा एक अपना पैन नंबर दे दियो और एक बिल्डर का पैन नंबर दे दियो। अगर ये जमा नहीं किया वही है असैसिन डिफॉल्ट, ठीक है ना जी। तो अगर कोई TDS के कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं करेगा असैसिन डिफॉल्ट। जमा नहीं करा तो इसका मतलब क्या हुआ असैसिन डिफॉल्ट? आपने देखो मैंने क्या बोला था असैसिन डिफॉल्ट कब बनता है, या तो काटा ना हो, काटा हो और जमा ना करो, तो इस वाले से क्या जी, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे उसके बाद जो भी 7 तारीख आएगी, ये बात आप पता चले 2 साल बाद भी कर सकते हैं, ऐसा भी है क्या जी? विद इंटरेस्ट किससे भी खरीदो। हाँ अब पढ़ा तो सेक्शन तो पढ़ लो तुम, अब पढ़ने तो देते नहीं हो सेक्शन तुम। सेक्शन का नंबर क्या है 194IA, ये कब एप्लीकेबल होता है, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि तुमने 50 लाख की कोई वो बेच दी, मशीन बेच दी, तो तब भी एप्लीकेबल होगा। ये सिर्फ किस पे होता है, इमूवेबल पे, मतलब क्या हो गया फ्लैट। अब एक व्यक्ति ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेच दी गांव वाले ने, हो सकता है या नहीं, एग्रीकल्चर लैंड बेच दी, अब उसने एग्रीकल्चर लैंड बेच दी, हमने कहा ताऊ रामलाल, ठीक है ना ताऊ रामलाल, तूने अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेची है, तूने अपनी खेती बेची है और तुझे TDS काट के जमा करना है, ठीक है ना, क्योंकि तूने प्रॉपर्टी बेची है तुझे TDS काट के जमा करना है। उसने अपना गला काट लिया जब उसे बताया गया TDS, ठीक है ना। तो जब भी किसी व्यक्ति को TDS बोला जाता है तो ताऊ ने डाला TDS का मतलब क्या होता है, कठिन, उसने आत्महत्या कर ली। कह रहा ये तो मेरे बस की बात नहीं है, आत्महत्या कर ली, तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो भाई सारी मूवेबल प्रॉपर्टी पर ये वाला सेक्शन लगाना, लेकिन किस पे मत लगाना, एग्रीकल्चर लैंड, मैंने AL लिखा है, AL की शॉर्ट फॉर्म एग्रीकल्चर लैंड, हाँ नॉट एप्लीकेबल होगा ये प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, क्लियर है। अब एक व्यक्ति बेचारा 10 लाख रुपए का फ्लैट खरीद रहा है, गरीब आदमी 10 लाख रुपए का फ्लैट खरीद रहा है, क्या उससे भी कहें कि TDS काट के जमा कर, हाँ छोटा सा अमाउंट है क्या गोलमाल करेगा। तो ये वाला प्रोविजन किस पे लगता है भाई, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से ज़्यादा है 50 लाख या उससे ज़्यादा है तभी ये प्रोविजन लगता है, और इस पर रेट क्या होता है 1% क्या होता है 1%। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड छोड़ के, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्लाइंट ठीक है इस तरह से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे बता देना, और इस एक फॉर्म को भरने के 26QB वन टाइम भरा जाता है, ये वन टाइम भरने के, कई बार CA 1500 से 2000 रुपए ले लेते हैं। इसका फॉर्म दिखा दो, हाँ जी 1500 से 2000 रुपए ले लेते हैं वन टाइम फॉर्म भरने के, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कब भरते हैं भाई, ये तो डिपेंड करेगा, हमने क्या बोला था कि TDS कब काटा जाता है ड्यू और पेमेंट। तो अब आप ऐसा भी हो सकता है कि तुमने ये कई बार तुम्हारा साधन भी बन जाता है पैसों का, क्या होता है एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी ले ली नोएडा में, नोएडा में कोई सोसाइटी बताना भाई, सर अभी हरियाणा में जैसे किसी ने लिए 7 लाख, हाँ 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी ली है, चलो कोई भी बना लेते ग्रीन होम बना लेते हैं, ग्रीन होम सोसाइटी में ले ली,
लेकिन ग्रीम होम सोसाइटी ने क्या बोला कि तुम ना ऐसा मत करना, 60 लाख इकट्ठे दो। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 60 लाख। हर महीने कितने रुपए देते रहना? 5 लाख, या 5 लाख अभी, 5 लाख 3 महीने बाद। तो ऐसा तुम्हें कोई क्लाइंट मिल जाए तो मजे हैं, क्योंकि जब तुम TDS काटोगे या तो 60 लाख पे एक ही बार, लेकिन सामने वाला तो मानेगा नहीं। सामने वाला मानेगा क्या? वो कहेगा भाई जितनी पेमेंट कर रहा है उतने पे ही तो काट के दे। तो क्या करना है? उसे हर बार काट कर जमा करना है, ठीक है जी? जितनी पेमेंट करेगा उतनी। तो एक बार फॉर्म भर के देख ले इसका। एक चीज़ होगी, इसमें जितनी रजिस्ट्री वैल्यू होती है उसके ऊपर TDS कटेगा या जो ब्लैक में जाता है उसके ऊपर? अच्छा ये बताओ, ये कह रहे हैं कि सर हमने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, 1 करोड़ की, लेकिन उसमें ब्लैक दे दिया हमने 40 लाख। भैया वो ब्लैक कहीं दिखाते हो क्या तुम? जब तुम ब्लैक कहीं दिखाते ही नहीं हो तो भाई उस पर TDS कहाँ कटेगा? गलती से भी काट मत देना TDS उसमें। पता चला तुमने 1 करोड़ रुपया दिया, 1 करोड़ रुपया दिया और उसमें तुमने 40 लाख ब्लैक का पैसा दे दिया, उस पर TDS काट दिया। गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कितने की बिकी है, 1 करोड़ की। जी बिल्कुल, इंटरेस्ट वही लगेगा जो मैं इंटरेस्ट बता कर आया हूँ, 1% और 1.5%। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, तो पहले हम पहले प्रोसीजर समझ ले। ये एक वाला क्लियर हो गया क्या जी? हाँ, फायदा क्या चाहिए तुम्हें? वो तो टाइम पे जमा क्यों भी नहीं भरा ना ये भाई। अगर आप ये बताओ इंटरेस्ट जमा कैसे करोगे? क्यों भी ही फॉर्म है जिसमें अभी मैं तुम्हें पूरी रामायण समझा रहा हूँ। आप ध्यान से नहीं है, अटेंटिव हो गए बैठिए क्लास में। मैं पूरी रामायण समझा रहा हूँ कि भाई जिस व्यक्ति को TDS काट कर जमा करना है 26QB में, उसे ना तो 10 नंबर लेना, उसे कुछ नहीं करना है, उसे तो सिर्फ एक फॉर्म भरना है 26, आपस से बचने के लिए, ठीक है? 26QB भरना है और वो एक चलान फॉर्म है। क्या है? चलान कम रिटर्न, वही चलान है वही रिटर्न है। तो आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि मैंने टैक्स जमा कर दिया और 26QB नहीं भरा। पहले सुन तो लो 26QB है क्या, वो फॉर्म ही है भाई। दिखा दूँ? yes, चलो तो 26QB, पहले एक दूसरा सेक्शन कर लेते हैं या पहले देखोगे? ये लो दिखा देते हैं, गूगल पर जाओ। भर के दिखाना या सिर्फ ऐसे ही दिखा देना है? चलो गूगल पर जाकर डालो 26QB ऑनलाइन फाइलिंग, ऑनलाइन पेमेंट। तो ये किस केस में होता है जी? TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। क्या जी? मैंने आज तक ऑफलाइन नहीं कराए, ठीक है? मैंने कब कराए? सिर्फ ऑनलाइन। तो डिडक्ट करना होता है TDS 1%। कितना जी? 1%। ऑनलाइन फॉर्म फर्निशिंग TDS ऑन प्रॉपर्टी। क्लियर है जी? yes, करे स्टार्ट करे इसे। yes, कहीं दिख रहा है तुम्हें 26QB? आ गया yes, 26QB। प्रोसीड। जब हम इसे प्रोसीड करते हैं, ये कहता है तुम्हारा समय शुरू होता है अब और तुम्हें ये 30 मिनट के अंदर भरना खत्म करना, ये नहीं कि तुम लेके बैठ गए, ठीक है ना? चलो तो हम फुर्ती से दिखाते हैं, कोशिश करते हैं भरने की, ठीक है? तो टैक्स एप्लीकेबल हमारा क्या है बेटा? ये इनकम टैक्स। क्या चीज है ये? इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। फाइनेंशियल ईयर कोई बात नहीं, ये अभी डेट आएगी तो उस हिसाब से ये आ जाएगा। तो हमारा क्या है जी? टाइप ऑफ पेमेंट क्या है? TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। स्टेटस ऑफ द, इन्होंने 3 वर्ड दिए हैं कि भाई तुम कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि ये जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उसमें से 50% फॉर्म ऐसे थे जिसमें पैन नंबर जहाँ पर सामने वाले का डालना था वहाँ पर अपना डाला, जहाँ पर अपना डालना था सामने वाले का। तो इस फॉर्म को ध्यान से भरना है। तो कहता है
स्टेटस ऑफ द पेई सेलर और ट्रांसफरर कि जिसने बेचा उसका स्टेटस बताओ. हमने कहा वो हिंदुस्तान का वासी है मतलब रेजिडेंट है. उसने कहा पेन नंबर बताओ ऑफ द ट्रांसफरी पेई बायर खरीदने वाले का. किसका जी? खरीदी. तो हमने खरीदने वाले का पेन नंबर यहाँ पर डाल दिया. AFL PA 2856G. ठीक है जी. अपने आप आ गया इंडिविजर. कंफर्म परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द ट्रांसफरी. अब यहां पर किसका है जी? ऊपर वाला ही डालना है भाई. ठीक है. AFL 2856G. जी तो लिखा है मैंने. क्यों कहा है? अरे मुझे तो जी. अब यहाँ पे किसका है? सेलर का. सेलर मैंने डाल दिया AJMPJ7282N. मैंने अपना ये ऑफिस बेचा सपोज करो 1 करोड़ रुपए में. मैंने किसे बेचा? दर्शन अग्रवाल जी को. ठीक है. AJMPJ. तो ये फॉर्म किसे भरना है? मैंने बेचा है ऑफिस. खरीदा किसने? दर्शन अग्रवाल जी ने. फॉर्म कौन भर रहे हैं इसका मतलब? दर्शन अग्रवाल जी. ठीक है जी. प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट. अब इन्होंने कहा भाई एड्रेस बता दो. कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी. ठीक है. अगर तुम पे टाइम है तो पूरा एड्रेस भरना सिद्धत के साथ. ठीक है. नहीं तो मैंडेटरी वाला भर देते हैं. ईमेल आईडी मैंडेटरी है. अच्छा इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने जो ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ 1 करोड़ की, इसमें मेरे नहीं है. 25 लाख मेरे ब्रदर के नाम है. 25 लाख मेरी सिस्टर के नाम है. 25 लाख मेरे नाम. 25 लाख मेरी मदर के नाम. हम 4 पार्टनर हैं. तो मैंने ये प्रॉपर्टी बेची और दर्शन अग्रवाल जी ने खरीदी. अब बताओ TDS का ये फॉर्म भरा जाएगा या नहीं? एप्लीकेबल होगा या नहीं? केस समझ रहे हो? हम चारों लोगों को कितने कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ 25 लाख. ठीक है. तो बताओ 26Q भी भरा जाएगा या नहीं? नहीं. तो लिख लो बेटा, नोट कर लो. 26Q भी जब हम 50 लाख रुपए की लिमिट चेक करते हैं तो वहां पर ये 50 लाख रुपए प्रॉपर्टी की लिमिट चेक करते हैं. किसकी? प्रॉपर्टी की लिमिट. ना तो खरीदने वाले की लिमिट चेक करते हैं ना ही बेचने वाले की. तो अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है, चाहे खरीदने वाले कितने ही हो चाहे बेचने वाले कितने ही हो, डजंट मैटर. ठीक है जी. तो अगर ऐसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी मेरी अकेले की 1 करोड़ में बेच रहा हूँ लेकिन खरीद रहे ये लोग हैं 25-25 लाख रुपए में 4 लोग, बताओ TDS आएगा या नहीं? आएगा. क्योंकि यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं? सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू रादर देन, ठीक है ना, रादर देन इंडिविजुअल वैल्यू. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं. चलिए अब आ जाओ ये फॉर्म पे. तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है मोर देन 1 ट्रांसफरी बायर. ठीक है. एक से ज्यादा भी खरीदने वाले हो सकते हैं. ठीक है. तो जितने खरीदने वाले होंगे उतने वो फॉर्म भरेंगे. और मजे की बात देखो, अगर 4 खरीदने वाले हो जाए और 4 बेचने वाले हो जाए तो कितने फॉर्म भरे जाएंगे? हैं? सॉरी, 4 खरीदने वाले हैं, 4 बेचने वाले, कितने फॉर्म भरे जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, 16. ABCD EFGH. ये 4 खरीदने वाले. जब ए खरीद रहा है तो वो TDS काटेगा या नहीं? किसका काटेगा? ई का काटेगा या नहीं? जब वो ई का काटेगा तो ई का पेन नंबर देगा. जब एफ का काटेगा तो? जब जी का काटेगा तो? और एच का काटेगा तो? तो कितने फॉर्म हो गए? ऐसे ही बी.
वैल्यू क्या दिखाएगा, पूरा दिखाएगा या वो अभी वो देखते हैं, ठीक है ना? ये वाली बात क्लियर हो गई? तो अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जिसमें चार खरीदने वाले हैं, चार बेचने वाले हैं और चार बार पेमेंट है, चार बार पेमेंट है, फिर कितने फॉर्म? 64, ठीक है ना? तो दिवाली ऑफर हो सकता है हमारे लिए, लेकिन ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पर पहले सिलेक्ट करना है वेदर मोर देन वन बायर। अगर तुम यस कर दोगे तो ये नहीं कि एक ही फॉर्म में सबके टीडीएस कट जाएंगे। यहाँ पे तो सिर्फ आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, फॉर्म तो आपको इंडिविजुअल अलग भरना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसे फिलहाल क्या कर देते हैं, नो, क्या कर देते हैं, नो। क्लियर है? फिर हमने इसका एड्रेस डाल दिया, दिल्ली। इन्होंने हमसे हमारी ईमेल आईडी तो मांगी, लेकिन खरीदने वाले की नहीं मांगी, ट्रांसफरर की नहीं मांगी, जो ट्रांसफरर कर रहा है। खरीदने वाला तो भर ही रहा है ना जी, तो मुझे तो अपनी ईमेल आईडी तो पता होगी, लेकिन ये कह रहा उसकी भी डालो। सेलर की नहीं मांगी, भाई क्यों मांगे सेलर की? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, वो ना दे अपनी ईमेल आईडी, वो ना दे अपना फोन नंबर, ठीक है ना? वेदर मोर देन वन ट्रांसफरर, हमने इसे भी क्या कर दिया, नो। तो अगर चाहे आप इसे यस कर देते तब भी ये नहीं कि अलग अलग विंडो खुल जाती, ऐसा नहीं होता, फॉर्म यही रहता। अब उसने क्या कहा, नेक्स्ट करो। अब उसने कहा, अब बताओ मुझे किस चीज की डिटेल, प्रॉपर्टी की डिटेल, कि क्या प्रॉपर्टी तुम खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो या बिल्डिंग। तो हमारा ये क्या है, बिल्डिंग है, हमने बिल्डिंग की डिटेल डाल दी, दिल्ली। स्टेट क्या डाला, दिल्ली। पिन कोड क्या डाला, अब ये कहता है डेट ऑफ एग्रीमेंट, क्या बोलता है, डेट ऑफ एग्रीमेंट या डेट ऑफ बुकिंग, जिस दिन तुमने टोकन मनी दिया था। तो हमने कहा भाई उसकी डेट थी, देख कुछ भी डाल दो, 10 अगस्त 2019। अब उसने बोला कि तुमने डेट ऑफ एग्रीमेंट बुकिंग डाल दिया, अब उसके बाद ये बताओ प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। मैंने कहा प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, 1 करोड़ क्या है, लेकिन ये नहीं है कि 1 करोड़ वैल्यू डाल दी तो 1 करोड़ पे ही टीडीएस काटना है। भाई पैसे तो चार बारों में जाएंगे, जितनी बार दूंगा उतनी बार टीडीएस काटूंगा। पेमेंट टाइप क्या है, लमसम दे रहे हो या इंस्टॉलमेंट में? अगर लमसम दे रहे होंगे तो एक ही साथ टीडीएस काट लोगे, और अगर इंस्टॉलमेंट में दे रहे होंगे तो इंस्टॉलमेंट। कर लिया सिलेक्ट यहाँ पे, और उसके बाद क्या कहता, प्लीज सिलेक्ट अमाउंट पेड, कि आपने कितना अमाउंट पेड करा। मैंने कहा भैया मैंने तो इस बार कितने रुपए दिए इसे, सिर्फ 10 लाख। कितने दिए, 10 लाख। तो कहता ठीक है, टोटल अमाउंट पेड कितना करा तुमने, 10 लाख। टीडीएस कितना, 1%, तो टोटल क्या हो गया जी, 10,000। और भाई साहब अगर आप लेट जमा करते हो टीडीएस तो क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और आगे बताऊंगा कि फीस भी लगती है, लेट फीस, क्या लगती है, लेट फीस भी लगती है। इसकी टाइमिंग डेट क्या है भाई, जो टीडीएस की होती है वही वही, ठीक है? तो हमारा आ गया 1,000, 10,000 आ गया। अब क्या करते हैं इसे, नेक्स्ट। अब बताओ अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद तुम्हें क्या डालना है, बैंक की डिटेल डालोगे, और जैसे ही आप ये बैंक की डिटेल डालोगे ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही जिसका टीडीएस कटा है, जैसे दर्शन अग्रवाल जी काट रहे हैं, तो मेरे 26AS में आ जाएगा। क्लियर हुई कहानी या नहीं, बोलो? yes, यहाँ तक कोई डाउट है? no, क्लियर हो गया 26QB? yes, चले अगला चले। नहीं बस आगे, तो अगर हम इतना प्रैक्टिकल करा रहे हैं 90%, अगर 10% और करना है मैं करा दूंगा, बस बैंक अकाउंट की डिटेल दे दो मुझे कोई, ठीक है ना? चलो आगे चले। अब एक सेक्शन और नोट करो भाई, वैल्यू पूरी दिखानी पड़ेगी, वैल्यू एक जगह तो हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखानी है, और एक जगह में वो वैल्यू दिखानी है जितना हमने पे करा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? वैल्यू तो वो इसलिए पूछ रहा है ना प्रॉपर्टी की, उसे पता तो लगे कि कितना रुपया आना है, ठीक है? हाँ चलो अब आ जाओ अगला सेक्शन, 194IB।
194IB। ये भी सेक्शन बहुत मजेदार है। रेंट बाय इंडिविजुअल प्लस हाउस HUF, ठीक है। अब इसकी कहानी सुनो, ये क्यों लाया गया था, इसकी सर ये टीडीएस में डिफॉल्ट देख रहा था, कहां से चेक होगा सर? अभी सारा प्रैक्टिकल पे आएंगे सर। टीडीएस के अंदर मैं कम से कम आपकी 3 क्लासेस लूंगा, 3 भी क्लासेस हो सकती है, 4 क्लासेस भी हो सकती है, 2-2 घंटे की। तो अभी पहले हम थोड़ा सा बेस बना रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल पर आएंगे, ठीक है ना, कि टीडीएस की रिटर्न कैसे जाती है, टीडीएस जमा कैसे होता है, रिटर्न को करेक्ट कैसे किया जाता है, डिफॉल्ट कैसे देखा जाता है, ट्रेसिस कैसे होता है, वो करेंगे, चीज़ें करेंगे। लेकिन पहले एक बार, आज तो पहला जन्म हुआ है टीडीएस का, तो पहले जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हम कर ले, निपटा ले। सर 10 नंबर जो अप्लाई करा हमने ऐसे, हाँ, तो एक महीना हो गया, एक महीने बाद आया, तो हम जो टीडीएस काटेंगे वो एक महीना पहले जो हमने अमाउंट पे किया था उसके ऊपर काटेंगे या फिर जब आए उसके बाद काटेंगे? नहीं जी, अभी इन्होंने क्या बोला कि सर मेरे को टीडीएस काटना था और मैंने 10 नंबर था नहीं तो टीडीएस काट के जमा नहीं कर सकता था। तो भाई टीडीएस तो जब काटना था तभी काटोगे, लेकिन जब तुम्हारा 10 नंबर आ जाएगा डिपॉजिट उसे तब करोगे, और जब उसे जमा करोगे तो विद इंटरेस्ट जमा करोगे, ठीक है, क्लियर। 10 नंबर दो भी, 10 किसी उसके एक दो भी हो सकते हैं? इन्होंने बोला कि सर किसी के दो भी हो सकते हैं क्या? अब आप समझो, पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक पूरे इंडिया में, पीएनबी बैंक के पैन नंबर कितने होंगे, एक या एक से ज्यादा? पैन नंबर बस बोलना है, फ्लो में सुनते नहीं है क्वेश्चन पहले, ठीक है। पैन नंबर तो एक ही होगा ना भाई, इनकम टैक्स रिटर्न तो एक ही जारी होगी ना। लेकिन अगर पूरी इंडिया के पीएनबी बैंकों की एक टीडीएस की रिटर्न जानी हो तो पागल हो जाएगा पीएनबी बैंक, ठीक है ना। तो वो कहते हैं नहीं भाई ऐसा करो, तुम ना दिल्ली का अलग ले लो, यूपी का अलग ले लो, बिहार का अलग। तो 10 नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 नंबर ब्रांचेस के हिसाब से अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं साहब, बिल्कुल। तुम 4 ले लो, 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि मैंने लिए नहीं है, तो एक बार लेके देखना, स्टेट वाइज होते हैं मेरे हिसाब से, तो स्टेट वाइज ही लो यार। अब ऐसा थोड़ी एक स्टेट में 4 10 नंबर लेके घूम रहे हो तुम, ठीक है ना। चलो मैं तुम्हें एक सेक्शन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार तुम बच रहे हो। चलो आ जाओ 194IB। ये सेक्शन का जन्म क्यों हुआ था, ये क्या करते थे कई लोग, मान लो लेट सपोज आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, जो बहुत सारे हमारा पुराने आदमी है, जाट गुजर्स जो हैं, ठीक है ना, वो उनकी बिल्डिंग्स हैं, उन्हें जमीनें हैं उनकी, और वो जमीनों में माला माल हो चुके हैं, क्योंकि उस पर उन्होंने फ्लैट बना दिए, फ्लैट बना के रेंट पे दे दिए हैं। अब लेट सपोज कि मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ या मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मैंने सोचा यार बढ़िया से फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, मैंने एक बढ़िया सा विला कोठी किराए पर ले ली, और मैं उसका किराया दे रहा हूँ 1 लाख रुपये महीना। कितना दे रहा हूँ, दे सकता हूँ या नहीं? कैपेसिटी है, दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये दे रहा हूँ अपने एक, ठीक है ना, मैंने उनसे कहा भाई साहब मुझे आपका ये फ्लैट चाहिए किराए पे, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं ले लो, ठीक है। मैंने कहा 1 लाख रुपए दूंगा, उसने कहा हाँ ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए उसे दिए जा रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, क्या देख लेंगे इनकम टैक्स को, ठीक है, कोई आके तो दिखाए हमारे यहाँ पे, ठीक है, लट से तोड़ देंगे उसे, ठीक है। तो उसने कहा भाई अब गवर्नमेंट को क्या था कि इस व्यक्ति की इनकम तो है ना जी 12 लाख रुपए इससे, और ऐसा एक फ्लैट थोड़ी दे रखा होगा उसने, पता नहीं कितने दे रखे होंगे। उसने कहा कि भाई ऐसा है कपिल जैन, ऐसा कर तू ना, जब भी इस व्यक्ति को 1 लाख रुपए की पेमेंट करेगा ना तो TDS काट लेगा। मैंने कहा यार दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं TDS कैसे काट लूंगा? मैंने कहा भाई TDS काटने के लिए क्या चाहिए, 10 नंबर रिटर्न फाइल करनी, सर्टिफिकेट देना, ये सारी चीज़ें करनी है। उसने कहा TDS तो काटना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं, मैं इंजीनियर आदमी हूँ, मैं इंजीनियर आदमी हूँ, मैं पायलट आदमी हूँ, मैं डॉक्टर आदमी हूँ, मुझे ये TDS के झंझटों में मत डालो। उसने कहा भाई देख अगर महंगे मकान में रहेगा तो TDS काट के जमा
करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया सेक्शन बनाया आईबी कि अगर कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये